हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है एनिमी एनिमी फिल्म के रिगार्डिंग सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ऊपर एक अपडेट मिलने वाली है साथ ही में फिल्म का तमिल तेलुगु वर्जन कौन से ओ चैनल कौन से सेटेलाइट चैनल पर आपको देखने को मिलेगा उसके ऊपर डिटेलिंग देने वाला हूँ फिल्म का प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन फिल्मिंग के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग मिलने वाली है बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर प्रॉपर एक एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ फिल्म की कहानी क्या है उसके

आनंद शंकर का ये फिल्म का आइडिया था उसके ऊपर जो राइटिंग है डायलॉग्स है वो लिखे हुए आनंद शंकर एस रामाकृष्णन और शानक्रूप स्वामी ने इन लोगों ने मिलकर फिल्म की स्क्रिप्टिंग की हुई थी स्क्रीन प्ले आनंद शंकर ने ही किया हुआ था और डायरेक्शन भी उन्होंने ही किया हुआ था प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस विनोद कुमार ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जिन्होंने मिनी स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट की आपको मैं बात करूँ तो विशाल आर्या मृणालिनी रवि ममता मोहनदास प्रकाश राज और थम्बी रमैया ये आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे इनके अलावा करुणाकरण जॉन विजय जॉर्ज मारियन जी मारी मुत्थु मालविका अविनाश आर एन आर मनोहर गांधी महेंद्रन मनस्वी कोटाची मास्टर राघवन रियान सार रवीना दाह सारण्य रवि कुमार आरिव ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनमें से कुछ लोग है वो आपको गेस्ट अपियरेंस में भी देखने को मिलेंगे तो इतने आर्टिस्ट थे जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ था जिन्होंने काफी बढ़िया तरीके से अपनी परफॉर्मेंसेस डिलीवर की हुई थी इसके ऊपर मैं आगे आपको प्रॉपर डीप में चर्चा करके बताने वाला हूँ अब हम बात करते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी की हुए आर डी राजशेखर ने एडिटिंग किए हुए हैं रायमन डेरिक कास्ट्रा ने जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि एक फिल्म आपको करीबन ढाई पौने तीन घंटे के बीच की देखने को मिलने वाली है इसके अलावा म्यूजिक की बात करें तो सॉन्ग कंपोज किए हुए थमन और सेम सी एस ने जहां पे बैकग्राउंड स्कोर है वो सेम सी एस ने अकेले ही स्कोर किया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में आपको टोटल पांच गाने सुनने को मिलने वाले जिसकी लेंथ है सोलह मिनट सेतालीस सेकंड उसके ऊपर एक डीप आगे चर्चा होने वाली है इसके अलावा इस फिल्म को मिनिस्टूडे प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट अयंगरन इंटरनेशनल के नीचे किया गया था और इस फिल्म के हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए बिफोर यू मूवीज ने जिन्होंने अभी तक फिल्म की रिलीज डेट अभी तक फाइनल नहीं की हुई है अब हम बात करें इस फिल्म के तमिल तेलुगु रिलीज के ऊपर तो फिल्म को चार नवंबर दो को तमिल और तेलुगु में रिलीज किया गया था जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था और फिल्म को आई पे छः पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जहां पे करीबन इकतालीस सौ वोट किए गए थे इस पौने तीन घंटे के आसपास की फिल्म को

ऑक्यूपेंसी थी वहीं पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जहाँ पे कुछ टिकट प्राइस के रिलेटेड गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑर्डर्स आए हुए थे उसकी वजह से रेट काफ़ी लो थे तो इन सभी महामारी के बीच में फिल्म को रिलीज किया गया था जिसके वजह से फिल्म ने एक ठीक ठाक कलेक्शन क्या होता है ये ज़्यादातर कलेक्शन तमिल ऑडियंस की तरफ से ही आया हुआ है फिल्म को तेलुगु हिंदी मलयालम और कन्नड़ा में डब करके रिलीज़ करने वाले थे जहाँ पे तेलुगु तमिल और मलयालम कन्नड़ा चार लैंग्वेज में रिलीज़ कर दिया था लेकिन वहीं पे हिंदी वर्जन का जो अता पता नहीं है क्योंकि बिफोर इमोशन पिक्चर्स वाले इस फिल्म को रिलीज़ करने वाले थे फिल्म के रिलीज़ के एक महीने के बाद लेकिन बाद में पता चला कि फिल्म अब शायद थिएटर में नहीं आने वाले क्योंकि फिल्म को जिस तरह से रिलीज करने का फैसला लिया था उसके बाद एक के बाद एक बड़ी फिल्म हिंदी में आती रही और फिल्म बार बार पोस्टोंड होती रही और अभी तक हिंदी में रिलीज़ नहीं की गई है लेकिन फिल्म को ओ टी पे अवेलेबल कराया हुआ है सैटेलाइट राइट्स भी बेच दिए गए तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं जहाँ पर फिल्म के सेटेलाइट राइट्स खरीदे हुए जी तमिल ने जी तमिल वालों ने इस फिल्म के तमिल लैंग्वेज के सेटेलाइट राइट्स खरीदे हुए थे वहीं पर स्ट्रीमिंग पार्टनर यानी कि जो जो ओ राइट्स है वो सोनी लिव के पास है जिन्होंने तेलुगु मलयालम कन्नड़

जाएगी वहीं पे सोनी चैनल के ऊपर के अपडेट नहीं दी हुई है जब कभी भी पे देखने को मिलेगी, तो बिफोर यू मूवीज के चैनल पर ही देखने को मिल सकती है अगर जी वालों को राइट्स बेचते हैं तो जी फाइव के ऊपर भी देखने को मिल सकती है अब टेलीविजन के राइट्स उनके ही पास है बिफोर यू मूवीज के चैनल पर देखने को मिलेगी ये फिल्म लेकिन कब तक मिलेगी उसके ऊपर कोई अंदाजा नहीं है तो इस तरह से इस फिल्म को आप सभी वर्जन में एंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के कैरेक्टराइजेशन के ऊपर तो विशाल जिन्होंने सोजन रामैया लग्नम का रोल प्ले किया हुआ है जो राजीव के चाइल्डहुड फ्रेंड है और बाद में आर एनिमी बन जाते हैं आर्या जो राजीव पारिया राजन का रोल प्ले किया हुआ है जो चोलान के चाइल्डहुड फ्रेंड है और बाद में उनके एनिमी बन जाते हैं मीनालिनी रवि अश्वित का रोल प्ले करे जो चोलांस की पियंस से ममता मोहनदास ने अनिसा का रोल प्ले किया हुआ है जो राजीव की वाइफ है प्रकाश राज ने परी राजन आई का रोल प्ले किया हुआ है जो राजीव के फादर है तम्बी रमैया ने रिस्क रामालिंगम का रोल प्ले किया हुआ है जो चोलान के फादर है करुणाकरण आपको बाबू के रोल में दिखाई देंगे जो चोलान के फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं जो विजय जिन्होंने पीटर का रोल प्ले किया हुआ है जो अनिशा के अंकल है जो मारियन जिन्होंने गणेश रामालिंगम का रोल प्ले किया हुआ है जो रामालिंगम के फ्रेंड है जी मारी मुतू जिन्होंने पोलिस ऑफिसर ईश्वरन मूर्ति का रोल प्ले किया हुआ है मालविका अविनाश जिन्होंने दीपा सत्यमूर्ति मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का रोल प्ले किया हुआ है आर एन आर मनोहर जिन्होंने इंस्पेक्टर गोविंद राजन का रोल प्ले किया हुआ है गांधी महेंद्रन ने रामालिंगम के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है मनस्वी कोटाची ने पिंकी का रोल प्ले किया हुआ है मास्टर राघवन ने यंग चोलान का रोल प्ले किया हुआ है रियान शाह ने यंग राजीव का रोल प्ले किया हुआ है रवीना दाह ने यंग अनिशा का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सरनिया रवि कुमार और अरिव्यू आपको ए, बारी बारी से तुम तुम सॉन्ग और लिटिल इंडिया सॉन्ग में गेस्ट अपीरेंस करते हुए नजर आएंगे इस फिल्म के प्रोडक्शन की बात करें तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी नवंबर 2020 में फिल्म की पूरी शूटिंग को 12 जुलाई 2021 तक कंप्लीट करवा लिया गया था जहाँ पे फिल्म को कोविड के 19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए शूटिंग कंप्लीट की गई थी इसके अलावा इस फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट की बात करें तो एस एस थमन ने और सेम सी एस ने इस फिल्म के गानों को कंपोज किया हुआ है वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर सिर्फ एम सी एस का देखने को सुनने को मिलेगा इसको रिकॉर्ड किया गया था दो हजार इक्कीस में रिलीज किया गया था पच्चीस अक्टूबर दो हजार इक्कीस को ही जहाँ पे इस फिल्म के जो लेबल है वो है डी वो म्यूजिक जिन्होंने इस फिल्म को तमिल जिन्होंने इस फिल्म के गानों को तमिल के साथ साथ हिंदी कनाडा सभी वर्जन में रिलीज किया हुआ था इस फिल्म के गानों को आप पे ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे डी ओ की चैनल के ऊपर वहीं पे इसके पहले गाने यानी कि पाथाला को रिलीज़ किया गया था बीस अगस्त दो को दूसरे गाने टमटम को रिलीज़ किया गया था तीन सेप्टेम्बर दो को वहीं पर तीसरा गाना लिटल इंडिया को रिलीज़ किया गया था बीस सेप्टेम्बर दो को इन सभी गानों को मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिसके चलते मिक्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते गाने एक हिट का टेग ले गए थे जहाँ पे टमटम वाला गाना काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था जो हिंदी वर्जन में भी आपको यूट्यूब पे डीओ हिंदी के चैनल पे देखने को मिल जाएगा इन सॉन्ग को मैं आपको ट्रैक लिस्टिंग के साथ बताऊं तो पहला गाना पाथला जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे आरीऊ ने म्यूजिक दिया हुआ था इस थमन ने सिंगर थे दीपक ब्लू गाने की लेंथ थी चार मिनट सोलह सेकंड दूसरा गाना टम टम जिसको लिरिक्स लिखे हुए थे विवेक ने म्यूजिक दिया हुआ था इस थमन ने सिंगर थे श्री वर्दिनी आदिति सत्या यामिनी रोशनी और तेजस्विनी इन्होंने सभी ने मिलकर गाया हुआ है गाने की लेंथ है तीन मिनट अड़तालीस सेकंड और ये गाना काफी हिट भी हुआ था तीसरा गाना लिटिल इंडिया जिसके लिरिक्स लिखे हुए आरियू ने म्यूजिक दिया हुआ

अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था और यूट्यूब पर ये सभी गाने आपको सुनने को मिल जाएंगे डी ओ की चैनल के ऊपर जहाँ पे टमटम वाला गाना है उसको हिंदी डब वर्जन में भी रिलीज किया हुआ है डी म्यूजिक हिंदी चैनल के ऊपर वहाँ से आप ये एंजॉय कर पाओगे क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला था जहाँ पे आर्या और साथ ही में विशाल दोनों के परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा सराहना मिली थी वहीं पे फिल्म के स्क्रीन प्ले पर स्क्रीन प्ले को थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया हुआ था कहानी को भी थोड़ा क्रिटिसाइज किया हुआ था बाकी सभी चीज़ें सभी क्रिटिक्स को पसंद आई थी जिसके चलते मिक्स रिव्यू मिले थे क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने ऑल बीस से पच्चीस करोड़ तक का लाइफ टाइम कलेक्शन करके दिखाया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म का रिस्पॉन्स रहा था अब बात कर लेते फिल्म की कहानी के ऊपर तो एनिमी फिल्म की कहानी की बात करें तो आपको दो कैरेक्टर देखने को मिलेंगे जहाँ पे एक कैरेक्टर प्ले कर रहे आर्या दूसरा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं विशाल विशाल सूर्या का रोल प्ले कर रहे हैं वहीं पर आर्या राजीव का रोल प्ले करे जो एक चाइल्डहुड फ्रेंड है राजीव हमेशा से सूर्या की शार्पनेस और उनका जो टैलेंट है उससे वो जलते आ रहे हैं तो उस वजह से वो छोटी एज में एक क्राइम का रास्ता अपना लेते हैं उसके बाद डायरेक्ट 25 साल बाद बताया दिया जाता है जहाँ पे सिंगापुर में उन दोनों की मीटिंग दिखाई जाती है और एक दूसरे के सामने वो खड़े हुए जहाँ पे चीज़ें काफ़ी बड़ी हो चुकी है और इसके पीछे काफ़ी खतरनाक बैकड्रॉप स्टोरी है अब वो सभी चीज़ें क्या है और एक दूसरे के वो एनिमी किस तरह से बने हुए आगे फिल्म में क्या होगा आखिर में फिल्म में किस तरह से एंड लेगी इन दोनों के बीच में आखिरी में क्या होने वाला है वही सब चीज़ों में फिल्म की बेसिक कहानी सेट की हुई है इस फिल्म की कहानी आपको एक केटन माउस वाली फिल्म की कहानी के तौर पे दिखाई गई है जहाँ पे चीज़ें पहले बार आपने नहीं देखी है इसी पहली बार कई बार देख चुके हैं लेकिन चेज इन सिकवेंस है वो सभी चीज़ें फिल्म की अच्छी है विशाल अपने कैरेक्टर के लिए काफ़ी फिट बैठ रहे थे उन्होंने एक्शन पे एक रोल प्ले किया हुआ है और उनका लुक फिल्म में काफ़ी सॉलिड नज़र आ रहा था अपनी परफॉर्मेंस के साथ वो आसानी से आपको इंप्रेस करने में कामयाब रहते हैं आर्या के साथ उनके जो एक्शन सिक्वेंस है वो काफ़ी ज़ोरदार थे वहाँ पर आर्या भी काफ़ी कम नहीं थे उन्होंने भी काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है उन्होंने Gracias. <coughs> काफ़ी बढ़िया तरीके से थ्रिलिंग मोमेंट को प्ले किया हुआ है थ्रिलिंग मूवमेंट जितने भी हैं वहाँ पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उनका वो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिलेगा आर्या ने एक नए एंगल के साथ उनकी एक्टिंग एक स्किल के साथ इस कैरेक्टर को शोकेस किया हुआ है एनिम फिल्म फुल ऑन एक्शन वाली फिल्म है जहाँ पर थ्रिलिंग मोमेंट को एक नए अवतार में क्रिएट करके इंटरेस्टिंग मैनर में ऑडियंस के सामने पेश किया हुआ है जहाँ पर ज़्यादातर टाइम पर वो हमें क्लिक करने में कामयाब रहते हैं फिल्म का फर्स्ट हाफ एक क्राइम बेस्ड सीन के साथ बनाया गया है वहीं पे सेकंड हाफ में सॉलिड एक्शन देखने को मिलते इन

अपना काम बखूबी निभाया हुआ है इसके अलावा दूसरे भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट है वो काफी बढ़िया तरीके से अपना परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते हैं फिल्म का बीजे में बिगेस्ट हाईलाइट पॉइंट है जिस तरह से जो थ्रिलिंग मोमेंट थे जो एक्शन थेक्वेंस थे जो क्राइम सिक्वेंस थे उसके पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर बचता है जिस तरह से उन सभी चीजों को सेट किया हुआ था उसके पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट करता है वो माहौल को और भी दुगना बेहतर बना देता है उन सभी सीन्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है ऐसे समय ने जिस तरह से सभी चीजों को सेट किया हुआ था वो सभी चीजें नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है माने, माइनस माइनस पॉइंट की बात करें कुछ एक माइनस पॉइंट भी है। मेकर ने जिस तरह से फिल्म को स्टाइलिंग मैनर में हमारे सामने पेश किया हुआ था लेकिन इमोशनल पार्ट है वो वहाँ पे उतने बेहतर नजर नहीं आ रहे थे फिल्म में कुछ अच्छे स्पॉट थे जहाँ पे कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे वो सभी चीज़ों को वो बेहतर कर सकते थे इसके अलावा हीरो विलन के बीच में जो कन्फ्रंटेशन वाले सीन है उसको थोड़े और बेटर वे में एलिवेट करके वो दिखा सकते थे स्टोरी में कुछ ऐसी चीज़ें जिसको और बेहतरीन तरीके से वो दिखा सकते थे उसमें वो कामयाब नहीं रही है एक आउट एंड आउट एक्शन वाली फिल्म है जहाँ पे लॉजिक थोड़े टॉस के ऊपर चला जाता है लॉजिक की कमी नज़र आ जाती है सेकेंड हाफ में कुछ ऐसे सिक्वेंस है जिसमें हाथ यर वाले सीन्स देखने को मिलते हैं जहां पे कुछ पता नहीं क्या चल रहा है इसके अलावा फिल्म में जिस तरह से एडिटिंग किए हुए कुछ रिपीटेड सीन्स बार बार आपको देखने को मिलते हैं उन सभी चीज़ों को क्रिस्प वे में दिखा देते तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी और एंगेजिंग तौर पर और थ्रिलिंग मोमेंट में आपको और बेहतरीन वे में हेल्प कर सकती थी लेकिन ये सभी चीज़ें कामयाब नहीं हुई है इसके अलावा फिल्म ज्यादातर एक्शन सिक्वेंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती है एक्शन डिपार्टमेंट काफी हैवी था एक्शन डायरेक्टर ने अच्छी तरह से कोरियोग्राफी की हुई थी लेकिन डायरेक्टर आनंद शंकर कुछ है जिसको बिल्डअप बेहतर वे में करना चाहिए था दो हीरो के बीच में जो कन्फ्रटेशन वाले सीन्स थे उसको बेहतर तरीके से दिखाना चाहिए था वहाँ पे वो कामयाब नहीं रह पाते म्यूज़िक आपको फिल्म का है वो काफ़ी अच्छा दे सुनने को मिलता है डिसेंट था गाने डिसेंट थे लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फायर मोड पर था फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी ज़्यादा हैवी था अगर मैंने एक दो चीज़ें आपको बताई डायरेक्टर सुधार लेते फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की वजह से फिल्म एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाती और एक कल क्लासिक फिल्म के तौर पर साबित हो सकती थी अच्छी खासी फिल्म थी अच्छी खासी स्टोरी थी जहाँ पे थोड़ा बहुत एग्जीक्यूशन कमी नजर आ जाती जिस वजह से 19-20 की कमी की से फिल्म एक डिसेंट फिल्म रह जाती है अदरवाइज़ ये ब्लॉकबस्टर फिल्म की श्रेणी में आ जाती है फिल्म का कैमरा जिस तरह से डिजाइन किया हुआ था फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन प्रोडक्शन वैल्यू काफी हाई है जिस वजह से हर एक फ्रेम आपको रिच नजर आएगी इसके अलावा फिल्म को काफी स्टाइलिश और स्लिक तरीके से देखने में लगे इस तरह से बनाया गया है जहां पे एक्शन कोरियोग्राफी भी आपको काफी सुपर

फिल्म जरूर देख सकते हो उन दोनों का जो स्क्रीन प्रेजेंस है वही फिल्म को और इंटरेस्टिंग बनाता है साथ ही में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो काफ़ी बढ़िया है दोनों हीरो के बीच में जो एक्शन पैक एक परफॉर्मेंसिस है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको पसंद आएगी जिस वजह से ये फिल्म आप ज़रूर इन्जॉय कर पाओगे इस फिल्म को एक बार तो आप ज़रूर देख सकते हो अब आप जिस किसी भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज के साथ देख सकते हो ज़्यादातर लैंग्वेज में फिल्म को अवेलेबल क्या हुआ है जहाँ पर फिल्म के सेटेलाइट राइट्स से है वो जी तमिल ने खरीदे हुए वहाँ पर तमिल वर्जन में आपको ये फिल्म देखने को मिलेगी वहीं पर इस फिल्म के तेलुगू तमिल मलयालम कन्नड़ा इन सभी वर्जन के जो ओ टी टी राइट्स है वो

चौदह अक्टूबर दो हजार इक्कीस को फिल्म को रिलीज किया गया था सॉरी चौदह अक्टूबर दो हजार इक्कीस को फिल्म को रिलीज करने वाले थे बाद में रिलीज डेट चेंज करके चार नवंबर दो हजार इक्कीस कर दी गई थी तो चार नवंबर दो हजार बाद में पोस्टपोन कर दी गई बिफोर गईन पिक्चर्स के द्वारा उसके बाद कोई नई रिलीज डेट आई नहीं आने वाली आने वाली करके फिल्म अभी तक आई नहीं है अब जब कभी भी ये फिल्म रिलीज करवाई जाएगी तो थिएटर में भी उनके ही द्वारा करवाई जाएगी अदरवाइज अगर थिएटर स्किप करते हैं तो फिल्म पहले टेलीविजन

हिंदी लैंग्वेज में एंजॉय कर पाओगे एनिमी जो 2021 की तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है आनंद शंकर ने जहां पे आनंद शंकर का ये फिल्म का आइडिया था उसके ऊपर जो राइटिंग है डायलॉग्स है वो लिखे हुए आनंद शंकर एस रामाकृष्णन और शान कुरूप स्वामी ने इन लोगों ने मिलकर फिल्म की स्क्रिप्टिंग की हुई थी स्क्रीन प्ले आनंद शंकर ने ही किया होता और डायरेक्शन भी उन्होंने ही किया हुआ था प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस विनोद कुमार ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जिन्होंने मिनी स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट की आपको मैं बात करूँ तो विशाल आर्या मृणालिनी रवि ममता मोहनदास प्रकाश राज और थम्बी रमैया ये आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे इनके अलावा करुणाकरण जॉन विजय जॉर्ज मारियन जी मारी मुत्थू मालविका अविनाश आर एन आर मनोहर गांधी महेंद्रन मनस्वी कोटाची मास्टर राघवन रियान सार रवीना दाह सारण्या रवि कुमार आरिवू ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनमें से कुछ लोग हैं वो आपको गेस्ट अपीरेंस में भी देखने को मिलेंगे तो इतने आर्टिस्ट थे जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ था जिन्होंने काफी बढ़िया तरीके से अपनी परफॉर्मेंसेस डिलीवर

इसको तमिल और तेलुगु में रिलीज किया गया था जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव मिला था और फिल्म को IMDb पे की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से कोई थीब इकतालीस सौ वोट थे इस पौने घंटे के आसपास की फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया था जहां पे फिल्म का जो कंटेंट है लोगों को मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस के साथ पसंद आया था ज्यादातर ऑडियंस को इस फिल्म को पॉजिटिव रिस्पांस मिला था लेकिन क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पांस दिया गया था जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने करीबन 20 से 22 करोड़ का एक डिसेंट रिलीज किया गया था थे, कुछ में 50 थी, वहीं पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जहां पर कुछ टिकट प्राइस के रिलेटेड गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑर्डर्स आए हुए थे उसकी वजह से रेट काफी लो थे तो इन सभी महामारी के बीच में फिल्म को रिलीज किया गया था जिसके वजह से फिल्म ने एक ठीक ठाक कलेक्शन क्या होता है यह ज्यादातर कलेक्शन तमिल ऑडियंस की तरफ से ही आया हुआ है फिल्म को तेलुगु हिंदी मलयालम और कन्नडा में डब करके रिलीज करने वाले थे जहाँ पे तेलुगु तमिल और मलयालम कन्नड़ा चार लैंग्वेज में रिलीज कर दिया था लेकिन वहीं पे हिंदी वर्जन का जो अता पता नहीं है क्योंकि बिफोर इोशन पिक्चर्स वाले इस फिल्म को रिलीज करने वाले थे फिल्म के रिलीज के एक महीने के बाद लेकिन बाद में पता चला कि फिल्म अब शायद थिएटर में नहीं आने वाली क्योंकि फिल्म को जिस तरह से रिलीज करने का फैसला लिया था उसके बाद एक के बाद एक बड़ी फिल्म हिंदी में आती रही और फिल्म बार बार पोस्टपोन होती रही और अभी तक हिंदी में रिलीज़ नहीं की गई है लेकिन फिल्म को ओ टी अवेलेबल कराया हुआ है सेटेलाइट राइट्स भी बेच दिए गए तो उसके ऊपर हम बात करने वाले जहाँ पर फिल्म के सेटेलाइट राइट्स खरीदे हुए जी तमिल ने जी तमिल वालों ने फिल्म के तमिल लैंग्वेज के सेटेलाइट राइट्स खरीदे हुए थे वहीं पर स्ट्रीमिंग पार्टनर यानी कि जो जो ओ राइट्स है वो सोनी लिव के पास थे जिन्होंने तेलुगु मलयालम कन्नड़

ऊपर भी ये फिल्म प्रीमियर करवाएंगे जहां पे चेनल, चेनल है जो नाम है तो नहीं है इस वजह से फिल्म को तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम में रिलीज करवा दिया गया वहां पर अवेलेबल हो चुके विथ इंग्लिश सब अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो सोनी फिल्म बिल्कुल फ्री में देख सकते हो जी तमिल की चैनल के ऊपर तमिल लैंग्वेज में आपको फिल्म सेटेलाइट चैनल पे देखने को मिल जाएगी वहीं पे सोनी लिव के चैनल के ऊपर बाकी सभी साउथ इंडियन लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन हिंदी लैंग्वेजेस के राइट है बिफोर इमोशन पिक्चर्स के पास जिन्होंने अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दी हुई है जब कभी भी ये फिल्म आपको ऑफिशियली यूट्यूब पर देखने को मिलेगी तो बिफोर यू मूवीज़ के चैनल पर ही देखने को मिल सकती है अगर जी वालों को राइट्स बेचते हैं तो जी फाइव एप के ऊपर भी देखने को मिल सकती है अब टेलीविजन के राइट्स उनके ही पास है बिफोर यू मूवीज़ के चैनल पर देखने को मिलेगी ये फिल्म लेकिन कब तक मिलेगी उसके ऊपर कोई अंदाजा नहीं है तो इस तरह से इस फिल्म को आप सभी वर्जन में एंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के कैरेक्टराइजेशन के ऊपर तो विशाल जिन्होंने सोजन रामैया लग्नम का रोल प्ले किया हुआ है जो राजीव के चाइल्डहुड फ्रेंड है और बाद में आर्य एनिमी बन जाते हैं आर्या जो राजीव पारिया राजन का रोल प्ले किया हुआ है जो चोलान के चाइल्डहुड फ्रेंड है और बाद में उनके एनिमी बन जाते हैं मीना लिनी रवि अश्वित का रोल प्ले करे जो चोलांस की पियन से ममता मोहनदास ने अनिसा का रोल प्ले किया हुआ है जो राजीव की वाइफ है प्रकाश राज ने परी राजन आई का रोल प्ले किया हुआ है जो राजीव के फादर है तम्बी रमैया

ऑफ़ एक्सटर्नल अफेयर्स का रोल प्ले किया हुआ है आर एन आर मनोहर जिन्होंने इंस्पेक्टर गोविंद राजन का रोल प्ले किया हुआ है गांधी महेंद्रन ने रामालिंगम के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है मनस्वी कोटाची ने पिंकी का रोल प्ले किया हुआ है मास्टर राघवन ने यंग चोलान का रोल प्ले किया हुआ है रियान शाह ने यंग राजीव का रोल प्ले किया हुआ है रवीना दाह ने यंग अनिसा का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सरणिया रवि कुमार और अरिव्यू आपको ए, बारी बारी से तुम तुम सॉन्ग और लिटिल इंडिया सॉन्ग में गेस्ट अपीरेंस करते हुए नजर आएंगे इस फिल्म के प्रोडक्शन की बात करें तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी नवंबर 2020 में फिल्म की पूरी शूटिंग को 12 जुलाई 2021 तक कंप्लीट करवा लिया गया था जहाँ पे फिल्म को कोविड के 19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए शूटिंग कंप्लीट की गई थी इसके अलावा इस फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट की बात करें तो एस एस थमन ने और सेम सी एस ने इस फिल्म के गानों को कंपोज किया हुआ है वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर सिर्फ एम सी एस का देखने को सुनने को मिलेगा इसको रिकॉर्ड किया गया था दो में रिलीज किया गया था पच्चीस अक्टूबर दो को ही जहाँ पे इस फिल्म के जो लेबल है वो है डी म्यूजिक जिन्होंने इस फिल्म को तमिल जिन्होंने इस फिल्म के गानों को तमिल लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी कन्नडा सभी वर्जन में रिलीज किया हुआ था इस फिल्म के गानों को आप YouTube पे ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे डी ओ की चैनल के ऊपर वहीं पे इसके पहले गाने यानी कि पाथाला को रिलीज़ किया गया था 20 अगस्त 2021 को दूसरे गाने टमटम को रिलीज़ किया गया था 3 सितंबर 2021 को वहीं पे तीसरा गाना लिटिल इंडिया को रिलीज़ किया गया था बीस सेप्टेम्बर दो को इन सभी गानों को मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिसके चलते मिक्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते गाने एक हिट का टेग ले गए थे जहाँ पे टमटम वाला गाना काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था जो हिंदी वर्जन में भी आपको यूट्यूब पर डीओ हिंदी के चैनल पर देखने को मिल जाएगा इन सॉन्ग को मैं आपको ट्रैक लिस्टिंग के साथ बताऊं तो पहला गाना पाथला जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे आरीऊ ने म्यूजिक दिया हुआ था स्थमन ने सिंगर थे दीपक ब्लू गाने की लेंथ थी चार मिनट सोलह सेकंड दूसरा गाना टम टम जिसको लिरिक्स लिखे हुए थे विवेक ने म्यूजिक दिया हुआ था स्थमन ने सिंगर थे श्री वर्दिनी आदिति सत्या यामिनी रोशनी और तेजस्विनी इन्होंने सभी ने मिलकर गाया हुआ है गाने की लेंथ है तीन मिनट अड़तालीस सेकंड और ये गाना काफी हिट भी हुआ था तीसरा गाना लिटिल इंडिया जिसके लिरिक्स लिखे हुए आरीऊ ने म्यूजिक दिया हुआ

रिस्पॉन्स मिला हुआ था और यूट्यूब सभी गाने आपको सुनने को मिल जाएंगे Do के चैनल के ऊपर जहां पे टमटम -टम वाला गाना है उसको हिंदी डब वर्जन में भी रिलीज किया हुआ है Do म्यूजिक हिंदी चैनल के ऊपर वहां से आप ये इंजॉय कर पाओगे क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला था जहाँ पे आर्या और साथ ही में विशाल दोनों के परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा सराहना मिली थी वहीं पे फिल्म के स्क्रीन प्ले पर स्क्रीन प्ले को थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया हुआ था कहानी को भी थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया हुआ था बाकी सभी चीज़ें सभी क्रिटिक्स को पसंद आई थी जिसके चलते मिक्स रिव्यू मिले थे क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने ऑल बीस से पच्चीस करोड़ तक का लाइफ टाइम कलेक्शन करके दिखाया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म का रिस्पांस रहा था अब बात कर लेते फिल्म की कहानी के ऊपर तो एनिमी फिल्म की कहानी की बात करें तो आपको दो कैरेक्टर देखने को मिलेंगे जहां पे एक कैरेक्टर प्ले कर रहे आर्या दूसरा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं विशाल विशाल सूर्या का रोल प्ले कर करे वहीं पर आर्या राजीव का रोल प्ले कर रहे जो एक चाइल्ड फ्रेंड है राजीव हमेशा से सूर्या की शार्पनेस और उनका जो टैलेंट है उससे वो जलते आ रहे तो उस वजह से वो छोटी एज में एक क्राइम का रास्ता अपना लेते हैं उसके बाद डायरेक्ट 25 साल बाद बताया दिया जाता है जहाँ पे सिंगापुर में उन दोनों की मीटिंग दिखाई जाती है और एक दूसरे के सामने वो खड़े हुए है जहाँ पे चीज़ें काफ़ी बड़ी हो चुकी है और इसके पीछे काफ़ी ख़तरनाक बैकड्रॉप स्टोरी है अब वो सभी चीज़ें क्या है और एक दूसरे के वो एनिमी किस तरह से बने हुए आगे फिल्म में क्या होगा आखिर में फिल्म में किस तरह से एंड लेगी इन दोनों के बीच में आखिरी में क्या होने वाला है वही सब चीज़ों में फिल्म की बेसिक कहानी सेट की हुई है इस फिल्म की कहानी आपको एक केटन माउस वाली फिल्म की कहानी के तौर पे दिखाई गई है जहाँ पे चीज़ें पहली बार आपने नहीं देखी है पहली बार कई बार देख चुके हैं लेकिन चेजिंग इन सिक्वेंस है वो सभी चीज़ें फिल्म की अच्छी है विशाल अपने कैरेक्टर के लिए काफ़ी फिट बैठ रहे थे उन्होंने एक्शन पे रोल प्ले किया हुआ है और उनका लुक फिल्म में काफ़ी सॉलिड नज़र आ रहा था अपनी परफॉर्मेंस के साथ वो आसानी से आपको इंप्रेस करने में कामयाब रहते हैं आर्या के साथ उनके जो एक्शन सिक्वेंस है वो काफ़ी ज़ोरदार थे वहाँ पर आर्या भी काफ़ी कम नहीं थे उन्होंने भी काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से थ्रिलिंग मोमेंट को प्ले किया हुआ है थ्रिलिंग मूवमेंट जितने भी हैं वहाँ पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उनका वो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिलेगा आर्या ने एक नए एंगल के साथ उनकी एक्टिंग स्किल एक के साथ इस कैरेक्टर को शोकेस किया हुआ है एनिमी फिल्म फुल ऑन एक्शन वाली फिल्म है जहाँ पर थ्रिलिंग मोमेंट को एक नए अवतार में क्रिएट करके इंटरेस्टिंग मैनर में ऑडियंस के सामने पेश किया हुआ है जहाँ पर ज़्यादातर टाइम पर वो हमें क्लिक करने में कामयाब रहते हैं फिल्म का फर्स्ट हाफ एक क्राइम बेस्ड सीन के साथ बनाया गया है वहीं पर सेकेंड हाफ़ में सॉलिड एक्शन देखने को मिलते हैं

अपना काम बखूबी निभाया हुआ है इसके अलावा दूसरे भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट है वो काफी बढ़िया तरीके से अपना परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते हैं फिल्म का बीजे में जो बैकग्राउंड स्कोर है वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट पॉइंट है जिस तरह से जो थ्रिलिंग मोमेंट थे जो एक्शन सिक्वेंस थे जो क्राइम सिक्वेंस थे उसके पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर बचता है जिस तरह से उन सभी चीजों को सेट किया हुआ था उसके पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट करता है वो माहौल को और भी दुगना बेहतर बना देता है उन सभी सीन्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है ऐसे समान ने जिस तरह से सभी चीजों को सेट किया हुआ था वो सभी चीजें नेक्स्ट लेवल पे चले ली जाती है माइनस माइनस पॉइंट की बात करें कुछ एक माइनस पॉइंट भी है मेकर ने जिस तरह से फिल्म को स्टाइलिंग मैनर में हमारे सामने पेश किया हुआ था लेकिन इमोशनल पार्ट है वो वहाँ पे उतने बेहतर नज़र नहीं आ रहे थे फिल्म में कुछ अच्छे स्पॉट थे जहाँ पे कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे वो सभी चीज़ों को वो बेहतर कर सकते थे इसके अलावा हीरो विलन के बीच में जो कन्फ्रंटेशन वाले सीन है उसको थोड़े और बेटर वे में एलिवेट करके वो दिखा सकते थे स्टोरी में कुछ ऐसी चीज़ें जिसको और बेहतरीन तरीके से वो दिखा सकते थे उसमें वो कामयाब नहीं रही है एक आउट एंड आउट एक्शन वाली फिल्म है जहाँ पर लॉजिक थोड़े टॉस के ऊपर चला जाता है लॉजिक की कमी नज़र आ जाती है सेकंड में कुछ ऐसे सिक्वेंस है जिसमें हाथ फेयर वाले सीन्स देखने को मिलते हैं जहां पे कुछ पता नहीं क्या चल रहा है इसके अलावा फिल्म में जिस तरह से एडिटिंग किए हुए कुछ रिपीटेड सीन्स बार बार आपको देखने को मिलते हैं उन सभी चीजों को क्रिस्प वे में दिखा देते तो चीजें और बेहतर हो सकती थी और इंगेजिंग तौर पे और थ्रिलिंग मोमेंट में आपको और बेहतरीन वे में हेल्प कर सकती थी लेकिन ये सभी चीज़ें कामयाब नहीं हुई है इसके अलावा फिल्म ज़्यादातर एक्शन सीक्वेंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती है एक्शन डिपार्टमेंट काफ़ी हैवी था एक्शन डायरेक्टर ने अच्छी तरह से कोरियोग्राफी की हुई थी लेकिन डायरेक्टर आनंद शंकर ने कुछ कीन सीक्वेंस है जिसको बिल्डअप बेहतर वे में करना चाहिए था दो हीरो के बीच में जो कन्फ्रंटेशन वाले सीन्स थे उसको बेहतर तरीके से दिखाना चाहिए था वहाँ पे वो कामयाब नहीं रह पाते म्यूज़िक आपको फिल्म का है वो काफ़ी अच्छा दे सुनने को मिलता है डिसेंट था गाने डिसेंट थे लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फायर मोड पे था फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी ज़्यादा हैवी था अगर मैंने एक दो चीज़ें आपको बताई डायरेक्टर सुधार लेते फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की वजह से फिल्म एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाती और एक कल क्लासिक फिल्म के तौर पर साबित हो सकती थी अच्छी खासी फिल्म थी अच्छी खासी स्टोरी थी जहाँ

सेबल थ्रिलर स्टंट वाली फिल्म है जहां पे विशाल और आर्या की वजह से आप ये फिल्म जरूर देख सकते हो उन दोनों का जो स्क्रीन प्रेजेंस है वही फिल्म को और इंटरेस्टिंग बनाता है साथ ही में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो काफ़ी बढ़िया है दोनों हीरो के बीच में जो एक्शन पैक परफॉर्मेंसिस है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको पसंद आएगी जिस वजह से ये फिल्म आप ज़रूर इन्जॉय कर पाओगे इस फिल्म को एक बार तो आप ज़रूर देख सकते हो अब आप जिस किसी भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज के साथ देख सकते हो ज़्यादातर लैंग्वेज में फिल्म को अवेलेबल क्या हुआ है जहाँ पर फिल्म के सेटेलाइट राइट्स है वो जी तमिल ने खरीदे हुए वहाँ पर तमिल वर्जन में आपको ये फिल्म देखने को मिलेगी वहीं पर इस फिल्म के तेलुगू तमिल मलयालम कन्नड़ा इन सभी वर्जन के जो ओ टी टी राइट्स है वो

हिंदी लैंग्वेज में एंजॉय कर पाओगे एनिमी जो 2021 की तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है आनंद शंकर ने जहां पे आनंद शंकर का ये फिल्म का आइडिया था उसके ऊपर जो राइटिंग है डायलॉग्स है वो लिखे हुए आनंद शंकर एस रामाकृष्णन और शानक्रूप स्वामी ने इन लोगों ने मिलकर फिल्म की स्क्रिप्टिंग की हुई थी स्क्रीन प्ले आनंद शंकर ने ही किया होता और डायरेक्शन भी उन्होंने ही किया हुआ था प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस विनोद कुमार ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जिन्होंने मिनी स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट की आपको मैं बात करूं तो विशाल आर्या मृणालिनी रवि ममता मोहनदास प्रकाश राज और थम्बी रमैया ये आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे इनके अलावा करुणा जॉन विजय जॉर्ज मारियन जी मारी मुत्थु मालविका अविनाश आर एन आर मनोहर गांधी महेंद्रन मनस्वी कोटाची मास्टर राघवन रियान शाह रविनाथ दाह सारण्य रवि कुमार आरिव ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनमें से कुछ लोग है वो आपको गेस्ट अपीरेंस में भी देखने को मिलेंगे तो इतने आर्टिस्ट थे जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ था जिन्होंने काफी बढ़िया तरीके से अपनी परफॉर्मेंसेस डिलीवर की हुई थी इसके ऊपर मैं आगे आपको प्रॉपर डीप में चर्चा करके बताने वाला हूँ अब हम बात करते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी की हुए आर डी राजशेखर ने एडिटिंग किए हुए हैं रायमन डेरिक कास्ट्रा ने जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि एक फिल्म आपको करीबन ढाई पौने तीन घंटे के बीच की देखने को मिलने वाली है इसके अलावा म्यूजिक की बात करें तो सॉन्ग कंपोज किए हुए थमन और सेम ने जहां पे बैकग्राउंड स्कोर है वो सेम ने अकेले ही स्कोर किया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में आपको टोटल पांच गाने सुनने को मिलने वाले जिसकी लेंथ है सोलह मिनट सेतालीस सेकंड उसके ऊपर एक डीप आगे चर्चा होने वाली है इसके अलावा इस फिल्म को मिनी स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट अयंगरन इंटरनेशनल के नीचे किया गया था और इस फिल्म के हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए बिफोर यू मूवीज ने जिन्होंने अभी तक फिल्म की रिलीज डेट अभी तक फाइनल नहीं की हुई है अब हम बात करें इस फिल्म के तमिल तेलुगु रिलीज के ऊपर तो फिल्म को चार नवंबर दो को तमिल और तेलुगु में रिलीज किया गया था जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था और फिल्म को आई पे छह पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जहां पे करीबन इकतालीस सौ वोट किए गए थे इस पौने तीन घंटे के आसपास की फिल्म को

ऑक्यूपेंसी थी वहीं पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जहाँ पे कुछ टिकट प्राइस की रिलेटेड गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑर्डर्स आए हुए थे उसकी वजह से रेट काफ़ी लो थे तो इन सभी महामारी के बीच में फिल्म को रिलीज किया गया था जिसके वजह से फिल्म ने एक ठीक ठाक कलेक्शन किया होता है ये ज़्यादातर कलेक्शन तमिल ऑडियंस की तरफ से ही आया हुआ है फिल्म को तेलुगु हिंदी मलयालम और कन्नड़ा में डब करके रिलीज़ करने वाले थे जहाँ पे तेलुगु तमिल और मलयालम कन्नड़ा चार लैंग्वेज में रिलीज़ कर दिया था लेकिन वहीं पे हिंदी वर्जन का जो अता पता नहीं है क्योंकि बिफोर इमोशन पिक्चर्स वाले इस फिल्म को रिलीज़ करने वाले थे फिल्म के रिलीज़ के एक महीने के बाद लेकिन बाद में पता चला कि फिल्म अब शायद थिएटर में नहीं आने वाली क्योंकि फिल्म को जिस तरह से रिलीज करने का फैसला लिया था उसके बाद एक के बाद एक बड़ी फिल्म हिंदी में आती रही और फिल्म बार बार पोस्टपोन्ड होती रही और अभी तक हिंदी में रिलीज़ नहीं की गई है लेकिन फिल्म को ओ टी टी पे अवेलेबल कराया हुआ है सैटेलाइट राइट्स भी बेच दिए गए तो उसके ऊपर हम बात करने वाले जहाँ पे फिल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए जी तमिल ने जी तमिल वालों ने इस फिल्म के तमिल लैंग्वेज के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए थे वहीं पर स्ट्रीमिंग पार्टनर यानी कि जो जो ओ टी टी राइट्स है वो सोनी लिव के पास है जिन्होंने तेलुगु मलयालम कन्नड़

मिल जाएगी वहीं पे सोनी लिव के चैनल के ऊपर बाकी सभी साउथ इंडियन में देखने को मिलेगी लेकिन हिंदी के के राइट है बिफोर इमोशन पिक्चर्स पास जिन्होंने अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दी हुई है जब कभी भी ये फिल्म देखने को मिलेगी तो बिफोर यू मूवीज के चैनल पर ही देखने को मिल सकती है अगर जी वालों को राइट्स बेचते हैं तो जी फाइव एप के ऊपर भी देखने को मिल सकती है अब टेलीविजन के राइट्स उनके ही पास है बिफोर यू मूवीज के चैनल पर देखने को मिलेगी ये फिल्म लेकिन कब तक मिलेगी उसके ऊपर कोई अंदाजा नहीं है तो इस तरह से इस फिल्म को आप सभी वर्जन में एंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के कैरेक्टराइजेशन के ऊपर तो विशाल जिन्होंने सोजन रामैया लगनम का रोल प्ले किया हुआ है जो राजीव के चाइल्डहुड फ्रेंड है और बाद में आर एनिमी बन जाते हैं आर्या जो राजीव पारिया राजन का रोल प्ले किया हुआ है जो चोलान के चाइल्डहुड फ्रेंड है और बाद में उनके एनिमी बन जाते हैं मीनालीनी रवि अश्वित का रोल प्ले करे जो चोलांस की पी से ममता मोहनदास ने अनिसा का रोल प्ले किया हुआ है जो राजीव की वाइफ है प्रकाश राज ने परिराजन आई पी का रोल प्ले किया हुआ है जो राजीव के फादर है तम्बी रमैया ने रिस्क रामालिंगम का रोल प्ले किया हुआ है जो चोलान के फादर है करुणाकरण आपको बाबू के रोल में दिखाई देंगे जो चोलान के फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं जो विजय जिन्होंने पीटर का रोल प्ले किया हुआ है जो अनीसा के अंकल है जो मारियन जिन्होंने गणेश रामालिंगम का रोल प्ले किया हुआ है जो रामालिंगम के फ्रेंड है जी मारी मोतू जिन्होंने पोलिस ऑफिसर ईश्वरन मूर्ति का रोल प्ले किया हुआ है मालविका अविनाश जिन्होंने दीपा सत्यमूर्ति मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का रोल प्ले किया हुआ है आर एन आर मनोहर जिन्होंने इंस्पेक्टर गोविंद राजन का रोल प्ले किया हुआ है गांधी महेंद्रन ने रामालिंगम के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है मनस्वी कोटाची ने पिंकी का रोल प्ले किया हुआ है मास्टर राघवन ने यंग चोलान का रोल प्ले किया हुआ है रियान शाह ने यंग राजीव का रोल प्ले किया हुआ है रवीना दाह ने यंग अनिसा का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सरनिया रवि कुमार और अरिव्यू आपको ए, बारी बारी से तुम तुम सॉन्ग और लिटिल इंडिया सॉन्ग में गेस्ट अपीरेंस करते हुए नजर आएंगे इस फिल्म के प्रोडक्शन की बात करें तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी नवंबर 2020 में फिल्म की पूरी शूटिंग को 12 जुलाई 2021 तक कंप्लीट करवा लिया गया था जहाँ पे फिल्म को कोविड के, के 19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए शूटिंग कंप्लीट की गई थी इसके अलावा इस फिल्म की म्यूज़िक डिपार्टमेंट की बात करें तो एस एस थमन ने और सेम सीएस सी एस ने इस फिल्म के गानों को कंपोज किया हुआ है वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर सिर्फ सेम सी एस का देखने को सुनने को मिलेगा इसको रिकॉर्ड किया गया था 2021 में रिलीज़ किया गया था 25 अक्टूबर 2021 को ही जहां पे इस फिल्म के जो लेबल है वो है डी वो म्यूज़िक जिन्होंने इस फिल्म को तमिल जिन्होंने इस फिल्म के गानों को तमिल लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी कन्नडा सभी वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म के गानों को आप YouTube पे ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे डी ओ की चैनल के ऊपर वहीं पे इसके पहले गाने यानी कि पाथाला को रिलीज़ किया गया था 20 अगस्त 2021 को दूसरे गाने टमटम को रिलीज़ किया गया था 3 सितंबर 2021 को वहीं पे तीसरा गाना लिटिल इंडिया को रिलीज़ किया गया था बीस सेप्टेम्बर दो को इन सभी गानों को मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिसके चलते मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते गाने एक हिट का टेग ले गए थे जहाँ पे टमटम वाला गाना काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था जो हिंदी वर्जन में भी आपको यूट्यूब पे डीओ हिंदी के चैनल पे देखने को मिल जाएगा इन सॉन्ग को मैं आपको ट्रैक लिस्टिंग के साथ बताऊं तो पहला गाना पाथला जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे आरीवू ने म्यूजिक दिया हुआ था इस थमन ने सिंगर थे दीपक ब्लू गाने की लेंथ थी चार मिनट सोलह सेकंड दूसरा गाना टम टम जिसको लिरिक्स लिखे हुए थे विवेक ने म्यूजिक दिया हुआ था इस थमन ने सिंगर थे श्री वर्दिनी आदिति सत्या यामिनी रोशनी और तेजस्विनी इन्होंने सभी ने मिलकर गाया हुआ है गाने की लेंथ है तीन मिनट अड़तालीस सेकंड और ये गाना काफी हिट भी हुआ था तीसरा गाना लिटिल इंडिया जिसके लिरिक्स लिखे हुए आरियू ने म्यूजिक दिया हुआ

अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था और यूट्यूब पर ये सभी गाने आपको सुनने को मिल जाएंगे डी की चैनल के ऊपर जहाँ पर टमटम वाला गाना है उसको हिंदी डब वर्जन में भी रिलीज़ किया हुआ है डी म्यूजिक हिंदी चैनल के ऊपर वहाँ से आप ये इन्जॉय कर पाओगे क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला था जहाँ पे आर्या और साथ ही में विशाल दोनों के परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा सराहना मिली थी वहीं पे फिल्म के स्क्रीन प्ले पर स्क्रीन प्ले को थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया हुआ था कहानी को भी थोड़ा क्रिटिसाइज किया हुआ था बाकी सभी चीज़ें सभी क्रिटिक्स को पसंद आई थी जिसके चलते मिक्स रिव्यू मिले थे क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने ऑल बीस से पच्चीस करोड़ तक का लाइफ टाइम कलेक्शन करके दिखाया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म का रिस्पांस रहा था अब बात कर लेते फिल्म की कहानी के ऊपर तो एनिमी फिल्म की कहानी की बात करें तो आपको दो कैरेक्टर देखने को मिलेंगे जहां पे एक कैरेक्टर प्ले कर रहे आर्या दूसरा कैरेक्टर प्ले कर रहे विशाल विशाल सूर्या का रोल प्ले कर करे वहीं पे आर्या राजीव का रोल प्ले करे जो एक चाइल्डहुड फ्रेंड है राजीव हमेशा से सूर्या की शार्पनेस और उनका जो टैलेंट है उससे वो जलते आ रहे तो उस वजह से वो छोटी एज में एक क्राइम का रास्ता अपना लेते उसके बाद डायरेक्ट पच्चीस साल बात बताया दिया जाता है जहाँ पे सिंगापुर में उन दोनों की मीटिंग दिखाई जाती है और एक दूसरे के सामने वो खड़े हुए हैं जहाँ पे चीज़ें काफ़ी बड़ी हो चुकी है और इसके पीछे काफ़ी ख़तरनाक बैकड्रॉप स्टोरी है अब वो सभी चीज़ें क्या है और एक दूसरे के वो एनिमी किस तरह से बने हुए हैं आगे फिल्म में क्या होगा आखिर में फिल्म में किस तरह से एंड लेगी इन दोनों के बीच में आखिरी में क्या होने वाला है वही सब चीज़ों में फिल्म की बेसिक कहानी सेट की हुई है इस फिल्म की कहानी आपको एक कैट केटन माउस वाली फिल्म की कहानी के तौर पे दिखाई गई है जहाँ पे चीज़ें पहली बार आपने नहीं देखी इसी पहली बार कई बार देख चुके हैं लेकिन चेजिंग इन सिक्वेंस है वो सभी चीज़ें फिल्म की अच्छी है विशाल अपने कैरेक्टर के लिए काफ़ी फिट बैठ रहे थे उन्होंने एक्शन पे रोल प्ले किया हुआ है और उनका लुक फिल्म में काफ़ी सॉलिड नजर आ रहा था अपनी परफॉर्मेंस के साथ वो आसानी से आपको इंप्रेस करने में कामयाब रहते हैं आर्या के साथ उनके जो एक्शन सिक्वेंस है वो काफ़ी जोरदार थे वहाँ पर आर्या भी काफ़ी कम नहीं थे उन्होंने भी काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से थ्रिलिंग मोमेंट को प्ले किया हुआ है थ्रिलिंग मूवमेंट जितने भी हैं वहाँ पे जो नेगेटिव इम्पेक्ट है उनका वो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिलेगा आर्या ने एक नए एंगल के साथ उनकी एक्टिंग एक स्किल के साथ इस कैरेक्टर को शोकेस किया हुआ है एनिम फिल्म फुल ऑन एक्शन वाली फिल्म है जहाँ पर थ्रिलिंग मोमेंट को एक नए अवतार में क्रिएट करके इंटरेस्टिंग मैनर में ऑडियंस के सामने पेश किया हुआ है जहाँ पे ज़्यादातर टाइम पे वो हमें क्लिक करने में कामयाब रहते हैं फिल्म का फर्स्ट हाफ एक क्राइम बेस्ड सीन के साथ बनाया गया है वहीं पे सेकंड हाफ में सॉलिड एक्शन देखने को मिलते हैं इन दोनों का कॉम्बो अच्छी तरह से डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट किया हुआ था यह सभी चीज़ें आपको जरूर पसंद आएगी फिल्म के जो एक्शन शॉर्ट्स है जहाँ पे आर्य और विशाल को एग्जीक्यूट करके दिखाया हुआ है उन दोनों के साथ क्रिएट किया हुआ है उन सभी चीज़ों को जिस तरह से शोकेस किया हुआ था उसका एग्जीक्यूशन काफी प्रिटी वेल तरीके से क्रिएट किया हुआ था वो सभी चीजें ऑडियंस के दिमाग में एक सोलिड थ्रिल पैदा करने में कामयाब रहती है साथ ही में जो बैकग्राउंड स्कोर है उन अच्छी उन सभी चीज़ों को सपोर्ट कर रहा था काश राज ममता मोहनदास वो दोनों आपको सपोर्टिंग रोल में दिखना है कि देखने को मिलेंगे मीना लिनी रवि सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है इसके अलावा दूसरे भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट है वो काफी बढ़िया तरीके से अपना परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते हैं फिल्म का बीजे में जो बैकग्राउंड स्कोर है वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट पॉइंट है जिस तरह से जो थ्रिलिंग मोमेंट थे जो एक्शन सिक्वेंस थे जो क्राइम सिक्वेंस थे उसके पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर बचता है जिस तरह से उन सभी चीजों को सेट किया हुआ था उसके पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट करता है वो माहौल को और भी दुगना बेहतर बना देता है उन सभी सीन्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है जिस तरह से सभी चीजों को सेट किया हुआ था वो सभी चीजें नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है माइनस पॉइंट की बात करें कुछ एक माइनस पॉइंट भी है। मेकर ने जिस तरह से फिल्म को स्टाइलिंग मैनर में हमारे सामने पेश किया हुआ था लेकिन इमोशनल पार्ट है वो वहाँ पे उतने बेहतर नज़र नहीं आ रहे थे फिल्म में कुछ अच्छे स्पॉट थे जहाँ पे कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे वो सभी चीज़ों को वो बेहतर कर सकते थे इसके अलावा हीरो विलन के बीच में जो कन्फ्रंटेशन वाले सीन है उसको थोड़े और बेटर वे में एलिवेट करके वो दिखा सकते थे स्टोरी में कुछ ऐसी चीज़ें जिसको और बेहतरीन तरीके से वो दिखा सकते थे उसमें वो कामयाब नहीं रही है एक आउट एंड आउट एक्शन वाली फिल्म है जहाँ पर लॉजिक थोड़े टॉस के ऊपर चला जाता है लॉजिक की कमी नज़र आ जाती है सेकेंड हाफ में कुछ ऐसे सिक्वेंस है जिसमें हाथ फेर वाले सीन्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे कुछ पता नहीं क्या चल रहा है इसके अलावा फिल्म में जिस तरह से एडिटिंग किए हुए कुछ रिपीटेड सीन्स बार बार आपको देखने को मिलते हैं उन सभी चीजों को क्रिस्प वे में दिखा देते तो चीजें और बेहतर हो सकती थी और एंगेजिंग तौर पे और थ्रिलिंग मोमेंट में आपको और बेहतरीन वे में हेल्प कर सकती थी लेकिन ये सभी चीज़ें कामयाब नहीं हुई है इसके अलावा फिल्म ज़्यादातर एक्शन सिक्वेंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती है एक्शन डिपार्टमेंट काफ़ी हैवी था एक्शन डायरेक्टर ने अच्छी तरह से कोरियोग्राफी की हुई थी लेकिन डायरेक्टर आनंद शंकर ने कुछ कीन सिक्वेंस है जिसको बिल्डअप बेहतर वे में करना चाहिए था दो हीरो के बीच में जो कन्फ्रंटेशन वाले सीन्स थे उसको बेहतर तरीके से दिखाना चाहिए था वहाँ पे वो कामयाब नहीं रह पाते म्यूजिक आपको फिल्म का है वो काफ़ी अच्छा दे सुनने को मिलता है डिसेंट था गाने डिसेंट थे लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फायर मोड पे था फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी ज़्यादा हैवी था अगर मैंने एक दो चीज़ें आपको बताई डायरेक्टर सुधार लेते फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की वजह से फिल्म एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाती और एक कल क्लासिक फिल्म के तौर पर साबित हो सकती थी अच्छी खासी फिल्म थी अच्छी खासी स्टोरी थी जहाँ पे थोड़ा बहुत एग्जीक्यूशन कमी नजर आ जाती, फिल्म की में आ जाती। फिल्म का काफी है जिस बेस्ट पॉसिबल वे में फिल्म के एक्शन सिक्वेंस को शोकेस किया हुआ था जिसको काफी अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ था फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन प्रोडक्शन वैल्यू काफी हाई है जिस वजह से हर एक फ्रेम आपको रिच नजर आएगी इसके अलावा फिल्म को काफी स्टाइलिश और स्लिक तरीके से देखने में

थ्रिलर स्टंट वाली फिल्म है जहां पे विशाल और आर्या की वजह से आप ये फिल्म जरूर देख सकते हो उन दोनों का जो स्क्रीन प्रेजेंस है वही फिल्म को और इंटरेस्टिंग बनाता है साथ ही में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो काफ़ी बढ़िया है दोनों हीरो के बीच में जो एक्शन पैक एक परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको पसंद आएगी जिस वजह से ये फिल्म आप ज़रूर इन्जॉय कर पाओगे इस फिल्म को एक बार तो आप ज़रूर देख सकते हो अब आप जिस किसी भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज के साथ देख सकते हो ज़्यादातर लैंग्वेज में फिल्म को अवेलेबल क्या हुआ है जहाँ पर फिल्म के सेटेलाइट राइट है वो जी तमिल ने खरीदे हुए वहाँ पर तमिल वर्जन में आपको ये फिल्म देखने को मिलेगी वहीं पर इस फिल्म के तेलुगू तमिल मलयालम कन्नड़ा इन सभी वर्जन के जो ओ टी टी राइट्स है वो

लैंग्वेज में एंजॉय कर पाओगे एनिमी जो 2021 की तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है आनंद शंकर ने जहां पे आनंद शंकर का ये फिल्म का आइडिया था उसके ऊपर जो राइटिंग है डायलॉग्स है वो लिखे हुए आनंद शंकर एस रामाकृष्णन और शान कुरूप स्वामी ने इन लोगों ने मिलकर फिल्म की स्क्रिप्टिंग की हुई थी स्क्रीन प्ले आनंद शंकर ने ही किया होता और डायरेक्शन भी उन्होंने ही किया हुआ था प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस विनोद कुमार ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जिन्होंने मिनी स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट की आपको मैं बात करूँ तो विशाल आर्या मृणालिनी रवि ममता मोहनदास प्रकाश राज और थम्बी रमैया ये आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे इनके अलावा करुणाकरण जॉन विजय जॉर्ज मारियन जी मारी मालविका अविनाश आर एन आर मनोहर गांधी महेंद्रन मनस्वी कोटाची मास्टर राघवन रियान सार रविनाथ दाह सारण्या रवि कुमार आरिव ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनमें से कुछ लोग हैं वो आपको गेस्ट अपीरेंस में भी देखने को मिलेंगे तो इतने आर्टिस्ट थे जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ था जिन्होंने काफी बढ़िया तरीके से अपनी परफॉर्मेंसेस डिलीवर की हुई थी इसके ऊपर मैं आगे आपको प्रॉपर डीप में चर्चा करके बताने वाला हूँ अब हम बात करते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी किए हुए आर डी राजशेखर ने एडिटिंग किए हुए रायमन डेरिक कास्ट्रा ने जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि एक फिल्म आपको करीबन ढाई पौने तीन घंटे के बीच की देखने को मिलने वाली है इसके अलावा म्यूजिक की बात करें तो सॉन्ग कंपोज किए हुए थमन और सेम सी एस ने जहां पे बैकग्राउंड स्कोर है वो सेम सी एस ने अकेले ही स्कोर किया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में आपको टोटल पांच गाने सुनने को मिलने वाले जिसकी लेंथ है सोलह मीट सेता सेकंड उसके ऊपर एक डीप आगे चर्चा होने वाली है इसके अलावा इस फिल्म को मिनी स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट आयंगरन इंटरनेशनल के नीचे किया गया था और इस फिल्म के, हिंदी के राइट्स खरीदे चार नवंबर दो तमिल और तेलुगु में रिलीज किया गया था जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था और फिल्म को आई पे छह की रेटिंग हासिल हुई थी जहां पर करीबन इकतालीस वोट किए गए थे इस पौने तीन घंटे के आसपास की फिल्म को

ऑक्यूपेंसी थी वहीं पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जहाँ पे कुछ टिकट प्राइस के रिलेटेड गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑर्डर्स आए हुए थे उसकी वजह से रेट काफी लो थे तो इन सभी महामारी के बीच में फिल्म को रिलीज किया गया था जिसके वजह से फिल्म ने एक ठीक ठाक कलेक्शन क्या होता है ये ज्यादातर कलेक्शन तमिल ऑडियंस की तरफ से ही आया हुआ है फिल्म को तेलुगु हिंदी मलयालम और कन्नडा में डब करके रिलीज करने वाले थे जहाँ पे तेलुगु तमिल और मलयालम कन्नड़ा चार लैंग्वेज में रिलीज कर दिया था लेकिन वहीं पे हिंदी वर्जन का जो अता पता नहीं है क्योंकि बिफोर इमोशन पिक्चर्स वाले इस फिल्म को रिलीज करने वाले थे फिल्म के रिलीज के एक महीने के बाद लेकिन बाद में पता चला कि फिल्म अब शायद थिएटर में नहीं आने वाली क्योंकि फिल्म को जिस तरह से रिलीज करने का फैसला लिया था उसके बाद एक के बाद एक बड़ी फिल्म हिंदी में आती रही और फिल्म बार बार पोस्टपोन होती रही और अभी तक हिंदी में रिलीज़ नहीं की गई है लेकिन फिल्म को ओ टी अवेलेबल कराया हुआ है सेटेलाइट राइट्स भी बेच दिए गए तो उसके ऊपर हम बात करने वाले जहाँ पे फिल्म के सेटेलाइट राइट्स खरीदे हुए जी तमिल ने जी तमिल वालों ने फिल्म के तमिल लैंग्वेज के सेटेलाइट राइट्स खरीदे हुए थे वहीं पर स्ट्रीमिंग पार्टनर यानी कि जो जो ओ राइट्स है वो सोनी लिव के पास है जिन्होंने तेलुगु मलयालम कन्नड़

मिल जाएगी वहीं पे सोनी लिव के चैनल के ऊपर बाकी सभी साउथ इंडियन लैंग्वेज़ में देखने को मिलेगी लेकिन हिंदी लैंग्वेजिस के राइट है बिफोर इमोशन पिक्चर्स के पास जिन्होंने अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दी हुई है जब कभी भी ये फिल्म आपको ऑफिशियल यूट्यूब पर देखने को मिलेगी तो बिफोर यू मूवीज़ के चैनल पर ही देखने को मिल सकती है अगर जी वालों को राइट्स बेचते हैं तो जी फाइव के ऊपर भी देखने को मिल सकती है अब टेलीविजन के राइट्स उनके ही पास है बिफोर यू मूवीज़ के चैनल पर देखने को मिलेगी ये फिल्म लेकिन कब तक मिलेगी उसके ऊपर कोई अंदाज़ा नहीं है तो इस तरह से इस फिल्म को आप सभी वर्जन में एंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के कैरेक्टराइजेशन के ऊपर तो विशाल जिन्होंने सोजन रामया लग्नम का रोल प्ले किया हुआ है जो राजीव के चाइल्डहुड फ्रेंड है और बाद में आर्य एनिमी बन जाते हैं। आर्या जो राजीव पारिया राजन का रोल प्ले किया हुआ है जो चोलान के चाइल्डहुड फ्रेंड है और बाद में उनके एनिमी बन जाते हैं मिनाली ने रवि अश्वित का रोल प्ले करे जो चोलांस की पी से ममता मोहनदास ने अनिसा का रोल प्ले किया हुआ है जो राजीव की वाइफ है प्रकाश राज ने परिराजन आई का रोल प्ले किया हुआ है जो राजीव के फादर है तम्बी रमैया ने रिस्क रामालिंगम का रोल प्ले किया हुआ है जो चोलान के फादर है करुणाकरण आपको बाबू के रोल में दिखाई देंगे जो चोलान के फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं जोन विजय जिन्होंने पीटर का रोल प्ले किया हुआ है जो अनिशा के अंकल है जॉर्ज मारियन जिन्होंने गणेश रामालिंगम का रोल प्ले किया हुआ है जो रामालिंगम के फ्रेंड है जी मारी मोतु जिन्होंने पुलिस ऑफिसर ईश्वरन मूर्ति का रोल प्ले किया हुआ है मालविका अविनाश जिन्होंने दीपा सत्यामूर्ति मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का रोल प्ले किया हुआ है आर एन आर मनोहर जिन्होंने इंस्पेक्टर गोविंद राजन का रोल प्ले किया हुआ है गांधी महेंद्रन ने रामालिंगम के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है मनस्वी कोटाची ने पिंकी का रोल प्ले किया हुआ है मास्टर राघवन ने यंग चोलान का रोल प्ले किया हुआ है रियान शाह ने यंग राजीव का रोल प्ले किया हुआ है रवीना दाह ने यंग अनिसा का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सरनिया रवि कुमार और अरिव्यू आपको ए, बारी बारी से तुम तुम सॉन्ग और लिटिल इंडिया सॉन्ग में गेस्ट अपीरेंस करते हुए नजर आएंगे इस फिल्म के प्रोडक्शन की बात करें तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी नवंबर 2020 में फिल्म की पूरी शूटिंग को 12 जुलाई 2021 तक कंप्लीट करवा लिया गया था जहाँ पे फिल्म को कोविड के नाइनटीन के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए शूटिंग कंप्लीट की गई थी इसके अलावा इस फिल्म की म्यूज़िक डिपार्टमेंट की बात करें तो एस एस थमन ने और सेम सी एस ने इस फिल्म के गानों को कंपोज किया हुआ है वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर सिर्फ सेम सी एस का देखने को सुनने को मिलेगा इसको रिकॉर्ड किया गया था 2021 में रिलीज़ किया गया था 25 अक्टूबर 2021 को ही जहां पे इस फिल्म के जो लेबल है वो है डी वो म्यूज़िक जिन्होंने इस फिल्म को तमिल जिन्होंने इस फिल्म के गानों को तमिल लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी कन्नडा सभी वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म के गानों को आप YouTube पे ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे डी की चैनल के ऊपर वहीं पे इसके पहले गाने यानी कि पाथाला को रिलीज किया गया था 20 अगस्त 2021 को दूसरे गाने टमटम को रिलीज़ किया, किया गया था 3 सितंबर 2021 को वहीं पे तीसरा गाना लिटिल इंडिया को रिलीज किया गया था बीस सेप्टेम्बर दो को इन सभी गानों को मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिसके चलते मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते गाने एक हिट का टेग ले गए थे जहाँ पर टमटम वाला गाना काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था जो हिंदी वर्जन में भी आपको यूट्यूब पर डीओ हिंदी के चैनल पर देखने को मिल जाएगा इन सॉन्ग को मैं आपको ट्रैक लिस्टिंग के साथ बताऊं तो पहला गाना पाथला जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे आरीऊ ने म्यूजिक दिया हुआ था इस थमन ने सिंगर थे दीपक ब्लू गाने की लेंथ थी चार मिनट सोलह सेकंड दूसरा गाना टम टम जिसको लिरिक्स लिखे हुए थे विवेक ने म्यूजिक दिया हुआ था इस थमन ने सिंगर थे श्री वर्दिनी आदिति सत्या यामिनी रोशनी और तेजस्विनी इन्होंने सभी ने मिलकर गाया हुआ है गाने की लेंथ है तीन मिनट अड़तालीस सेकंड और ये गाना काफी हिट भी हुआ था तीसरा गाना लिटिल इंडिया जिसके लिरिक्स लिखे हुए आरीवू ने म्यूजिक दिया हुआ

रिस्पॉन्स मिला हुआ था और यूट्यूब पर सभी गाने आपको सुनने को मिल जाएंगे डीओ की चैनल के ऊपर जहां पर टमटम वाला गाना है उसको हिंदी डब वर्जन में भी रिलीज किया हुआ है डीओ म्यूजिक हिंदी चैनल के ऊपर वहां से आप ये इंजॉय कर पाओगे क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला था जहां पे आर्या और साथ ही में विशाल दोनों के परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा सराहना मिली थी वहीं पे फिल्म के स्क्रीन पर स्क्रीन प्ले को थोड़ा क्रिटिसाइज किया हुआ था कहानी को भी थोड़ा क्रिटिसाइज किया हुआ था बाकी सभी चीजें सभी क्रिटिक्स को पसंद आई थी जिसके चलते मिक्स रिव्यू मिले थे क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने ऑल बीस से पच्चीस करोड़ तक का लाइफ टाइम कलेक्शन करके दिखाया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म का रिस्पांस रहा था तो अब बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी के ऊपर तो एनिमी फिल्म की कहानी की बात करें तो आपको दो कैरेक्टर देखने को मिलेंगे जहां पे एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं आर्या दूसरा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं विशाल विशाल सूर्या का रोल प्ले कर रहे हैं वहीं पे आर्या राजीव का रोल प्ले कर रहे जो एक चाइल्डहुड फ्रेंड है राजीव हमेशा से सूर्या की शार्पनेस और उनका जो टैलेंट है उससे वो जलते आ रहे हैं तो उस वजह से वो छोटी एज में एक क्राइम का रास्ता अपना लेते हैं उसके बाद डायरेक्ट 25 साल बाद बताया दिया जाता है जहाँ पे सिंगापुर में उन दोनों की मीटिंग दिखाई जाती है और एक दूसरे के सामने वो खड़े हुए हैं जहाँ पे चीज़ें काफ़ी बड़ी हो चुकी है और इसके पीछे काफ़ी ख़तरनाक बैकड्रॉप स्टोरी है अब वो सभी चीज़ें क्या है और एक दूसरे के वो एनिमी किस तरह से बने हुए हैं आगे फिल्म में क्या होगा आखिर में फिल्म में किस तरह से एंड लेगी इन दोनों के बीच में आखिरी में क्या होने वाला है वही सब चीज़ों में फिल्म की बेसिक कहानी सेट की हुई है इस फिल्म की कहानी आपको एक केटन माउस वाली फिल्म की कहानी के तौर पे दिखाई गई है जहाँ पे चीज़ें पहले बार आपने नहीं देखी है इसी पहली बार कई बार देख चुके हैं लेकिन चेज इन सिक्वेंस है वो सभी चीज़ें फ़िल्म की अच्छी है विशाल अपने कैरेक्टर के लिए काफ़ी फिट बैठ रहे थे उन्होंने एक्शन पे रोल प्ले किया हुआ है और उनका लुक फिल्म में काफ़ी सॉलिड नज़र आ रहा था अपनी परफॉर्मेंस के साथ वो आसानी से आपको इम्प्रेस करने में कामयाब रहते हैं आर्या के साथ उनके जो एक्शन सिकवंस है वो काफ़ी ज़ोरदार थे वहाँ पर आर्या भी काफ़ी कम नहीं थे उन्होंने भी काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है उन्होंने Gracias. <coughs> काफ़ी बढ़िया तरीके से थ्रिलिंग मोमेंट को प्ले किया हुआ है थ्रिलिंग मूवमेंट जितने भी हैं वहाँ पे जो नेगेटिव इम्पेक्ट है उनका वो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिलेगा आर्या ने एक नए एंगल के साथ उनकी एक्टिंग एक स्किल के साथ इस कैरेक्टर को शोकेस किया हुआ है एनिमी फिल्म फुल ऑन एक्शन वाली फिल्म है जहाँ पे थ्रिलिंग मोमेंट को एक नए अवतार में क्रिएट करके इंटरेस्टिंग मैनर में ऑडियंस के सामने पेश किया हुआ है जहाँ पर ज़्यादातर टाइम पे वो हमें क्लिक करने में कामयाब रहते हैं फिल्म का फर्स्ट हाफ एक क्राइम बेस्ड सीन के साथ बनाया गया है वहीं पर सेकेंड हाफ में सॉलिड एक्शन देखने को मिलते हैं

अपना काम बखूबी निभाया हुआ है इसके अलावा दूसरे भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट है वो काफी बढ़िया तरीके से अपना परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते हैं फिल्म का बीजीएम में जो बैकग्राउंड स्कोर है वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट पॉइंट है जिस तरह से जो थ्रिलिंग मोमेंट थे जो एक्शन सिक्वेंस थे जो क्राइम सिक्वेंस थे उसके पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर बचता है जिस तरह से उन सभी चीजों को सेट किया हुआ था उसके पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट करता है वो माहौल को और भी दुगना बेहतर बना देता है उन सभी सीन्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है ऐसे समय ने जिस तरह से सभी चीजों को सेट किया हुआ था वो सभी चीजें नेक्स्ट लेवल पे चले ली जाती है माइनस माइनस पॉइंट की बात करें कुछ एक माइनस पॉइंट भी है। मेकर ने जिस तरह से फिल्म को स्टाइलिंग मैनर में हमारे सामने पेश किया हुआ था लेकिन इमोशनल पार्ट है वो वहाँ पे उतने बेहतर नज़र नहीं आ रहे थे फिल्म में कुछ अच्छे स्पॉट थे जहाँ पे कुछ ऐसी जगह थी जहाँ वो सभी चीज़ों को वो बेहतर कर सकते थे इसके अलावा हीरो विलन के बीच में जो कन्फ्रटेशन वाले सीन है उसको थोड़े और बेटर वे में एलिवेट करके वो दिखा सकते थे स्टोरी में कुछ ऐसी चीज़ें जिसको और बेहतरीन तरीके से वो दिखा सकते थे उसमें वो कामयाब नहीं रही है एक आउट एंड आउट एक्शन वाली फिल्म है जहाँ पर लॉजिक थोड़े टॉस के ऊपर चला जाता है लॉजिक की कमी नज़र आ जाती है सेकंड हाफ में कुछ ऐसे सिक्वेंस है जिसमें हाथ फेयर वाले सीन्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे कुछ पता नहीं क्या चल रहा है इसके अलावा फिल्म में जिस तरह से एडिटिंग किए हुए कुछ रिपीटेड सीन्स बार बार आपको देखने को मिलते हैं उन सभी चीज़ों को क्रिस्प वे में दिखा देते तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी और इंगेजिंग तौर पे और थ्रिलिंग मोमेंट में आपको और बेहतरीन वे में हेल्प कर सकती थी लेकिन ये सभी चीज़ें कामयाब नहीं हुई है इसके अलावा फिल्म ज़्यादातर एक्शन सीक्वेंस के ऊपर कंसंट्रेट करती है एक्शन डिपार्टमेंट काफ़ी हैवी था एक्शन डायरेक्टर ने अच्छी तरह से कोरियोग्राफी की हुई थी लेकिन डायरेक्टर आनंद शंकर ने कुछ कीन सीक्वेंस है जिसको बिल्डअप बेहतर वे में करना चाहिए था दो हीरो के बीच में जो कन्फ्रंटेशन वाले सीन्स थे उसको बेहतर तरीके से दिखाना चाहिए था वहाँ पे वो कामयाब नहीं रह पाते म्यूज़िक आपको फिल्म का है वो काफ़ी अच्छा दे सुनने को मिलता है डिसेंट था गाने डिसेंट थे लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फायर मोड पे था फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी ज़्यादा हैवी था अगर मैंने एक दो चीज़ें आपको बताई डायरेक्टर सुधार लेते फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की वजह से फिल्म एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाती और एक कल क्लासिक फिल्म के तौर पर साबित हो सकती थी अच्छी खासी फिल्म थी अच्छी खासी स्टोरी थी जहाँ

सेबल थ्रिलर स्टंट वाली फिल्म है जहां पे विशाल और आर्या की वजह से आप ये फिल्म जरूर देख सकते हो उन दोनों का जो स्क्रीन प्रेजेंस है वही फिल्म को और इंटरेस्टिंग बनाता है साथ ही में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो काफ़ी बढ़िया है दोनों हीरो के बीच में जो एक्शन पैक एक परफॉर्मेंसेस है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको पसंद आएगी जिस वजह से ये फिल्म आप ज़रूर इंजॉय कर पाओगे इस फिल्म को एक बार तो आप ज़रूर देख सकते हो अब आप जिस किसी भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज के साथ देख सकते हो ज़्यादातर लैंग्वेज में फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पर फिल्म के सेटेलाइट राइट्स है वो जी तमिल ने खरीदे हुए वहाँ पर तमिल वर्जन में आपको ये फिल्म देखने को मिलेगी वहीं पर इस फिल्म के तेलुगू तमिल मलयालम कन्नड़ा इन सभी वर्जन के जो ओटीटी राइट्स है वो

हिंदी लैंग्वेज में एंजॉय कर पाओगे एनिमी जो 2021 की तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है आनंद शंकर ने जहां पे आनंद शंकर का ये फिल्म का आइडिया था उसके ऊपर जो राइटिंग है डायलॉग्स है वो लिखे हुए आनंद शंकर एस रामाकृष्णन और शानक्रूप स्वामी ने इन लोगों ने मिलकर फिल्म की स्क्रिप्टिंग की हुई थी स्क्रीन प्ले आनंद शंकर ने ही किया होता और डायरेक्शन भी उन्होंने ही किया हुआ था प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस विनोद कुमार ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जिन्होंने मिनी स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट की आपको मैं बात करूं तो विशाल आर्या मिर्णालिनी रवि ममता मोहनदास प्रकाश राज और थम्बी रमैया ये आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे इनके अलावा करुणाकरण जॉन विजय जॉर्ज मारियन जी मारी मुथू मालविका अविनाश आर एन आर मनोहर गांधी महेंद्रन मनस्वी कोटाची मास्टर राघवन रियान सार रवीना दाह सारण्य रवि कुमार आरिव ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनमें से कुछ लोग हैं वो आपको गेस्ट अपीरेंस में भी देखने को मिलेंगे तो इतने आर्टिस्ट थे जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ था जिन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपनी परफॉर्मेंसेस डिली

ले ही स्कोर किया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में आपको टोटल पांच गाने सुनने को मिलने वाले जिसकी लेंथ है सोलह मिनट से के नीचे, किया गया था। वहीं पे इंटरनेशनल के नीचे किया गया था और इस फिल्म के हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए बिफोर यू मूवीज ने जिन्होंने रिलीज डेट अभी तक फाइनल नहीं की हुई है अब हम बात करें इस फिल्म के तमिल तेलुगु रिलीज के ऊपर तो फिल्म को 4 नवंबर दो को तमिल और तेलुगु में रिलीज किया गया था जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था और फिल्म को IMDb पे पे की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से कोई सौ वोट किए गए थे इस पौने घंटे के आसपास की की फिल्म को सेंसर बोर्ड तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया था जहां पे फिल्म का जो कंटेंट है लोगों को मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ पसंद आया था ज्यादातर ऑडियंस को इस फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था लेकिन क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स दिया गया था जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने करीबन 20 से 22 करोड़ का एक डिसेंट कलेक्शन किया हुआ था इसका एक मेन रीजन है जब फिल्म को रिलीज किया गया था तब कोविड 19 की महामारी के बीच में फिल्म को रिलीज किया गया था कोविड 19 के चलते कई थिएटर बंद थे कुछ थिएटर में फिफ्टी परसेंट ऑक्युपेंसी थी वहीं पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जहां पे कुछ टिकट प्राइस के रिलेटेड गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑर्डर्स आए हुए थे उसकी वजह से रेट काफी लो थे तो इन सभी महामारी के बीच में फिल्म को रिलीज किया गया था जिसके वजह से फिल्म ने एक ठीक ठाक कलेक्शन क्या होता है ये ज़्यादातर कलेक्शन तमिल ऑडियंस की तरफ से ही आया हुआ है फिल्म को तेलुगु हिंदी मलयालम और कन्नड़ा में डब करके रिलीज़ करने वाले थे जहाँ पे तेलुगु तमिल और मलयालम कन्नड़ा चार लैंग्वेज में रिलीज कर दिया था लेकिन वहीं पे हिंदी वर्जन का जो अता पता नहीं है क्योंकि बिफोर इमोशन पिक्चर्स वाले इस फिल्म को रिलीज़ करने वाले थे फिल्म के रिलीज़ के एक महीने के बाद लेकिन बाद में पता चला कि फिल्म अब शायद थिएटर में नहीं आने वाले क्योंकि फिल्म को जिस तरह से रिलीज करने का फैसला लिया था उसके बाद एक के बाद एक बड़ी फिल्म हिंदी में आती रही और फिल्म बार बार पोस्टोंड होती रही और अभी तक हिंदी में रिलीज़ नहीं की गई है लेकिन फिल्म को ओ टी पे अवेलेबल कराया हुआ है सैटेलाइट राइट्स भी बेच दिए गए तो उसके ऊपर हम बात करने वाले जहाँ पे फिल्म के सेटेलाइट राइट्स खरीदे हुए जी तमिल ने जी तमिल वालों ने इस फिल्म के तमिल लैंग्वेज के सेटेलाइट राइट्स खरीदे हुए थे वहीं पर स्ट्रीमिंग पार्टनर यानी कि जो जो ओ राइट्स है वो सोनी लिव के पास है जिन्होंने तेलुगु मलयालम कन्नड़

ऊपर भी ये फिल्म प्रीमियर करवाएंगे जहां पे उनके चैनल चैनल है जो नाम को प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो ये फिल्म हिंदी में अभी तक देखने को नहीं मिली है। इस वजह से फिल्म को तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम रिलीज करवा दिया गया वहां पर अवेलेबल हो चुके विथ इंग्लिश सब अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो सोनी बिल्कुल फ्री में देख सकते हो चैनल के ऊपर

इस फिल्म को आप सभी वर्जन में एंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के कैरेक्टराइजेशन के ऊपर तो विशाल जिन्होंने सोजन रामैया लगनम का रोल प्ले किया हुआ है जो राजीव के चाइल्डहुड फ्रेंड है और बाद में आर एनिमी बन जाते हैं आर्या जो राजीव पारिया राजन का रोल प्ले किया हुआ है जो चोलान के चाइल्डहुड फ्रेंड है और बाद में उनके एनिमी बन जाते हैं मीना लिनी रवि अश्वित का रोल प्ले करे जो चोलांस की पी से ममता मोहनदास ने अनिसा का रोल प्ले किया हुआ है जो राजीव की वाइफ है प्रकाश राज ने परी राजन आई का रोल प्ले किया हुआ है जो राजीव के फादर है तम्बी रमैया रामालिंगम का रोल प्ले किया हुआ है जो चोलान के फादर है करुणाकरण आपको बाबू के रोल में दिखाई देंगे जो चोलान के फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं जो विजय जिन्होंने पीटर का रोल प्ले, प्ले किया हुआ है जो अनिशा के अंकल है जो मारियन जिन्होंने गणेश रामालिंगम का रोल प्ले किया हुआ है जो रामालिंगम के फ्रेंड है जी मारी मुतु जिन्होंने पुलिस ऑफिसर ईश्वरन मूर्ति का रोल प्ले किया हुआ है मालविका अविनाश जिन्होंने दीपा सत्यामूर्ति मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का रोल प्ले किया हुआ है आर एन आर मनोहर जिन्होंने इंस्पेक्टर गोविंद राजन का रोल प्ले किया हुआ है गांधी महेंद्रन ने रामिंगम के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है मनस्वी कोटाची ने पिंकी का रोल प्ले किया हुआ है मास्टर राघवन ने यंग चोलान का रोल प्ले किया हुआ है रियान शाह ने यंग राजीव का रोल प्ले किया हुआ है रवीना दाह ने यंग अनिशा का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सरनिया रवि कुमार और अरिव्यू आपको ए, बारी बारी से तुम तुम सॉन्ग और लिटिल इंडिया सॉन्ग में गेस्ट अपीरेंस करते हुए नजर आएंगे इस फिल्म के प्रोडक्शन की बात करें तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी नवंबर 2020 में फिल्म की पूरी शूटिंग को 12 जुलाई 2021 तक कंप्लीट करवा लिया गया था जहाँ पे फिल्म को कोविड के 19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए शूटिंग कंप्लीट की गई थी इसके अलावा इस फिल्म की म्यूज़िक डिपार्टमेंट की बात करें तो एस एस थमन ने और सेम सीएस सी एस ने इस फिल्म के गानों को कंपोज किया हुआ है वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर सिर्फ सेम सी का देखने को सुनने को मिलेगा इसको रिकॉर्ड किया गया था 2021 में रिलीज़ किया गया था 25 अक्टूबर 2021 को ही जहां पे इस फिल्म के जो लेबल है वो है डी वो म्यूजिक जिन्होंने इस फिल्म को तमिल जिन्होंने इस फिल्म के गानों को तमिल लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी कन्नडा सभी वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म के गानों को आप YouTube पे ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे डी की चैनल के ऊपर वहीं पे इसके पहले गाने यानी कि पाथाला को रिलीज़ किया गया था 20 अगस्त 2021 को दूसरे गाने टमटम को रिलीज़ किया गया

गाना टम टम जिसको लिरिक्स लिखे हुए थे विवेक ने म्यूजिक दिया हुआ अड़तालीस लिटल इंडिया जिसके लिरिक्स लिखे हुए आरियु ने म्यूजिक दिया हुआ है सिंगर है शरद संतोष और आरियु गाने की लेंथ है चार मिनट उन्नीस सेकंड चौथा गाना ओरिया नानिया नी जिसके लिरिक्स लिखे हुए आरियु ने म्यूजिक दिया हुआ सेम सी एस ने सिंगर थे गोविंद प्रसाद और गाने की लेंथ दो मिनट छत्तीस सेकंड लोब ने, से ने सिंगर है जिसको ऑडियंस की तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था और यूट्यूब पे सभी गाने आपको सुनने को मिल जाएंगे डीओ की चैनल के ऊपर जहां पे टमटम वाला गाना है उसको हिंदी डब वर्जन में भी रिलीज किया हुआ है डीओ म्यूजिक हिंदी चैनल के ऊपर वहां से आप इंजॉय कर पाओगे क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को एक मिक्स मिला था जहां पे आर्या और साथ ही में विशाल दोनों के परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा सराहना मिली थी वहीं पे फिल्म के स्क्रीन स्क्रीन प्ले को थोड़ा क्रिटिसाइज किया हुआ था कहानी को भी थोड़ा क्रिटिसाइज किया हुआ था बाकी सभी चीजें सभी क्रिटिक्स को पसंद आई थी जिसके चलते मिक्स रिव्यू मिले थे क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने ऑल बीस से पच्चीस करोड़ तक का लाइफ टाइम कलेक्शन करके दिखाया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म का रिस्पॉन्स रहा था अब बात कर लेते फिल्म की कहानी के ऊपर तो एनिमी फिल्म की कहानी की बात करें तो आपको दो कैरेक्टर देखने को मिलेंगे जहाँ पे एक कैरेक्टर प्ले कर रहे आर्या दूसरा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं विशाल विशाल सूर्या का रोल प्ले कर रहे हैं वहीं पे आर्या राजीव का रोल प्ले कर रहे जो एक चाइल्डहुड फ्रेंड है राजीव हमेशा से सूर्या की शार्पनेस और उनका जो टैलेंट है उससे वो जलते आ रहे तो उस वजह से वो छोटी एज में एक क्राइम का रास्ता अपना लेते हैं उसके बाद डायरेक्ट पच्चीस साल बाद बताया दिया जाता है जहाँ पे सिंगापुर में उन दोनों की मीटिंग दिखाई जाती है और एक दूसरे के सामने वो खड़े हुए जहाँ पे चीज़ें काफ़ी बड़ी हो चुकी है और इसके पीछे काफ़ी खतरनाक बैकड्रॉप स्टोरी है अब वो सभी चीज़ें क्या है और एक दूसरे के वो एनिमी किस तरह से बने हुए आगे फिल्म में क्या होगा आखिर में फिल्म में किस तरह से एंड लेगी इन दोनों के बीच में आखिरी में क्या होने वाला है वही सब चीज़ों में फिल्म की बेसिक कहानी सेट की हुई है इस फिल्म की कहानी आपको एक कैट केटन माउस वाली फिल्म की कहानी के तौर पे दिखाई गई है जहाँ पे चीज़ें पहले बार आपने नहीं देखी है इसी पहली बार कई बार देख चुके हैं लेकिन चेज इन सिकवेंस है वो सभी चीज़ें फिल्म की अच्छी है विशाल अपने कैरेक्टर के लिए काफ़ी फीट बैठ रहे थे उन्होंने एक्शन पे रोल प्ले किया हुआ है और उनका लुक फिल्म में काफ़ी सॉलिड नज़र आ रहा था अपनी परफॉर्मेंस के साथ वो आसानी से आपको इंप्रेस करने में कामयाब रहते हैं आर्या के साथ उनके जो एक्शन सिक्वेंस है वो काफ़ी ज़ोरदार थे वहाँ पर आर्या भी काफ़ी कम नहीं थे उन्होंने भी काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है उन्होंने Gracias. <coughs> काफ़ी बढ़िया तरीके से थ्रिलिंग मोमेंट को प्ले किया हुआ है थ्रिलिंग मूवमेंट जितने भी हैं वहाँ पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उनका वो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिलेगा आर्या ने एक नए एंगल के साथ उनकी एक्टिंग एक स्किल के साथ इस कैरेक्टर को शोकेस किया हुआ है एनिम फिल्म फुल ऑन एक्शन वाली फिल्म है जहाँ पर थ्रिलिंग मोमेंट को एक नए अवतार में क्रिएट करके इंटरेस्टिंग मैनर में ऑडियंस के सामने पेश किया हुआ है जहाँ पर ज़्यादातर टाइम पर वो हमें क्लिक करने में कामयाब रहते हैं फिल्म का फर्स्ट हाफ एक क्राइम बेस्ड सीन के साथ बनाया गया है वहीं पे सेकंड हाफ में सॉलिड एक्शन देखने को मिलते हैं

अपना काम बखूबी निभाया हुआ है इसके अलावा दूसरे भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट है वो काफी बढ़िया तरीके से अपना परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते हैं फिल्म का बीजे में वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट पॉइंट है जिस तरह से जो थ्रिलिंग मोमेंट थे जो एक्शन थे जो क्राइम सिक्वेंस थे उसके पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर बचता है जिस तरह से उन सभी चीजों को सेट किया हुआ था उसके पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट करता है वो माहौल को और भी दुगना बेहतर बना देता है उन सभी सीन्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है ऐसे समय ने जिस तरह से सभी चीजों को सेट किया हुआ था वो सभी चीजें नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है माइनस माइनस पॉइंट की बात करें कुछ एक माइनस पॉइंट भी है। मेकर ने जिस तरह से फिल्म को स्टाइलिंग मैनर में हमारे सामने पेश किया हुआ था लेकिन इमोशनल पार्ट है वो वहाँ पे उतने बेहतर नज़र नहीं आ रहे थे फिल्म में कुछ अच्छे स्पॉट थे जहाँ पे कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे वो सभी चीज़ों को वो बेहतर कर सकते थे इसके अलावा हीरो विलन के बीच में जो कन्फ्रंटेशन वाले सीन है उसको थोड़े और बेटर वे में एलिवेट करके वो दिखा सकते थे स्टोरी में कुछ ऐसी चीज़ें जिसको और बेहतरीन तरीके से वो दिखा सकते थे उसमें वो कामयाब नहीं रही है एक आउट एंड आउट एक्शन वाली फिल्म है जहाँ पे लॉजिक थोड़े टॉस के ऊपर चला जाता है लॉजिक की कमी नज़र आ जाती है सेकेंड हाफ में कुछ ऐसे सिक्वेंस है जिसमें हाथ फेर वाले सीन्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे कुछ पता नहीं क्या चल रहा है इसके अलावा फिल्म में जिस तरह से एडिटिंग किए हुए कुछ रिपीटेड सीन्स बार बार आपको देखने को मिलते हैं उन सभी चीजों को क्रिस्प वे में दिखा देते तो चीजें और बेहतर हो सकती थी और एंगेजिंग तौर पे और थ्रिलिंग मोमेंट में आपको और बेहतरीन वे में हेल्प कर सकती थी लेकिन ये सभी चीज़ें कामयाब नहीं हुई है इसके अलावा फिल्म ज़्यादातर एक्शन सीक्वेंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती है एक्शन डिपार्टमेंट काफ़ी हैवी था एक्शन डायरेक्टर ने अच्छी तरह से कोरियोग्राफी की हुई थी लेकिन डायरेक्टर आनंद शंकर ने कुछ कीन सीक्वेंस है जिसको बिल्डअप बेहतर वे में करना चाहिए था दो हीरो के बीच में जो कन्फ्रटेशन वाले सीन्स थे उसको बेहतर तरीके से दिखाना चाहिए था वहाँ पे वो कामयाब नहीं रह पाते म्यूजिक आपको फिल्म का है वो काफ़ी अच्छा दे सुनने को मिलता है डिसेंट था गाने डिसेंट थे लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फायर मोड पर था फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी ज़्यादा हैवी था अगर मैंने एक दो चीज़ें आपको बताई डायरेक्टर सुधार लेते फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की वजह से फिल्म एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाती और एक कल क्लासिक फिल्म के तौर पर साबित हो सकती थी अच्छी खासी फिल्म थी अच्छी खासी स्टोरी थी जहाँ पर थोड़ा बहुत एग्जीक्यूशन कमी नजर आ जाती जिस वजह से 19-20 की कमी की

फिल्म जरूर देख सकते हो उन दोनों का जो स्क्रीन प्रेजेंस है वही फिल्म को और इंटरेस्टिंग बनाता है साथ ही में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो काफ़ी बढ़िया है दोनों हीरो के बीच में जो एक्शन पैक एक परफॉर्मेंसिस है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको पसंद आएगी जिस वजह से ये फिल्म आप ज़रूर इन्जॉय कर पाओगे इस फिल्म को एक बार तो आप ज़रूर देख सकते हो अब आप जिस किसी भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज के साथ देख सकते हो ज़्यादातर लैंग्वेज में फिल्म को अवेलेबल क्या हुआ है जहाँ पे फिल्म के सेटेलाइट राइट्स है वो जी तमिल ने खरीदे हुए वहाँ पर तमिल वर्जन में आपको ये फिल्म देखने को मिलेगी वहीं पर इस फिल्म के तेलुगू तमिल मलयालम कन्नड़ा इन सभी वर्जन के जो ओ टी टी राइट्स है वो

चौदह अक्टूबर दो हजार इक्कीस को फिल्म को रिलीज किया गया था सॉरी चौदह अक्टूबर दो हजार इक्कीस को फिल्म को रिलीज करने वाले थे बाद में रिलीज डेट चेंज करके चार नवंबर दो हजार इक्कीस कर दी गई थी तो चार नवंबर दो हजार बाद में पोस्टपोन कर दी गई बिफोर गईन पिक्चर्स के द्वारा उसके बाद कोई नई रिलीज डेट आई नहीं आने वाली आने वाली करके फिल्म अभी तक आई नहीं है अब जब कभी भी ये फिल्म रिलीज करवाई जाएगी तो थिएटर में भी उनके ही द्वारा करवाई जाएगी अदरवाइज अगर थिएटर स्किप करते हैं तो फिल्म पहले टेलीविजन

हिंदी लैंग्वेज में एंजॉय कर पाओगे एनिमी जो 2021 की तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है आनंद शंकर ने जहां पे आनंद शंकर का ये फिल्म का आइडिया था उसके ऊपर जो राइटिंग है डायलॉग्स है वो लिखे हुए आनंद शंकर एस रामाकृष्णन और शान कुरूप स्वामी ने इन लोगों ने मिलकर फिल्म की स्क्रिप्टिंग की हुई थी स्क्रीन प्ले आनंद शंकर नहीं किया होता और डायरेक्शन भी उन्होंने ही किया हुआ था प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस विनोद कुमार ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जिन्होंने मिनी स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट की आपको मैं बात करूँ तो विशाल आर्या मृणालिनी रवि ममता मोहनदास प्रकाश राज और थम्बी रमैया ये आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे इनके अलावा करुणा जॉन विजय जॉर्ज मारियन जी मारी मालविका अविनाश आर एन आर मनोहर गांधी महेंद्रन मनस्वी कोटाची मास्टर राघवन रियान सार रवीना दाह सारण्या रवि कुमार आरिव ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनमें से कुछ लोग हैं वो आपको गेस्ट अपीर में भी देखने को मिलेंगे तो इतने आर्टिस्ट थे जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ था जिन्होंने काफी बढ़िया तरीके से अपनी परफॉर्मेंसेस डिलीवर की हुई थी इसके ऊपर मैं आगे आपको प्रॉपर डीप में चर्चा करके बताने वाला हूँ अब हम बात करते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी किए हुए आर डी राजशेखर ने एडिटिंग किए हुए रायमन डेरिक कास्ट्रा ने जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि एक फिल्म आपको करीबन ढाई पौने तीन घंटे के बीच की देखने को मिलने वाली है इसके अलावा म्यूजिक की बात करें तो सॉन्ग कंपोज किए हुए थमन और ने जहां पे बैकग्राउंड स्कोर है वो ने अकेले ही स्कोर किया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में आपको टोटल पांच गाने सुनने को मिलने वाले जिसकी लेंथ है सोलह मीट सेतालीस सेकंड उसके ऊपर एक डीप आगे चर्चा होने वाली है इसके अलावा इस फिल्म को मिनी स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट आयंगरन इंटरनेशनल के नीचे किया गया था और इस फिल्म के राइट्स अभी तक फाइनल नहीं की हुई है। अब हम बात करें इस फिल्म के ऊपर तो फिल्म को, चार दो को तमिल और तेलुगु में रिलीज किया गया था जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था और फिल्म को आई पे छह की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जहां पर करीबन इकतालीस वोट किए गए थे इस पौने तीन घंटे के आसपास की फिल्म को

ऑक्यूपेंसी थी वहीं पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जहाँ पे कुछ टिकट प्राइस के रिलेटेड गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑर्डर्स आए हुए थे उसकी वजह से रेट काफी लो थे तो इन सभी महामारी के बीच में फिल्म को रिलीज किया गया था जिसके वजह से फिल्म ने एक ठीक ठाक कलेक्शन क्या होता है ये ज़्यादातर कलेक्शन तमिल ऑडियंस की तरफ से ही आया हुआ है फिल्म को तेलुगु हिंदी मलयालम और कन्नडा में डब करके रिलीज करने वाले थे जहाँ पे तेलुगु तमिल और मलयालम कन्नडा चार लैंग्वेज में रिलीज कर दिया था लेकिन वहीं पे हिंदी वर्जन का जो अता पता नहीं है क्योंकि बिफोर इमोशन पिक्चर्स वाले इस फिल्म को रिलीज करने वाले थे फिल्म के रिलीज के एक महीने के बाद लेकिन बाद में पता चला कि फिल्म अब शायद थिएटर में नहीं आने वाली क्योंकि फिल्म को जिस तरह से रिलीज करने का फैसला लिया था उसके बाद एक के बाद एक बड़ी फिल्म हिंदी में आती रही और फिल्म बार बार पोस्टपोन होती रही और अभी तक हिंदी में रिलीज़ नहीं की गई है लेकिन फिल्म को ओ टी पे अवेलेबल कराया हुआ है सेटेलाइट राइट्स भी बेच दिए गए तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं जहाँ पर फिल्म के सेटेलाइट राइट्स खरीदे हुए जी तमिल ने जी तमिल वालों ने फिल्म के तमिल लैंग्वेज के सेटेलाइट राइट्स खरीदे हुए थे वहीं पर स्ट्रीमिंग पार्टनर यानी कि जो ओ टी टी राइट्स है वो सोनी लिव के पास से जिन्होंने तेलुगु मलयालम कन्नड़

मिल जाएगी वहीं पे सोनी लिव के चैनल के ऊपर बाकी सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजिस में देखने को मिलेगी लेकिन हिंदी लैंग्वेजिस के राइट है बिफोर इमोशन पिक्चर्स के पास जिन्होंने अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दी हुई है जब कभी भी ये फिल्म आपको ऑफिशियल यूट्यूब पर देखने को मिलेगी तो बिफोर यू मूवीज के चैनल पर ही देखने को मिल सकती है अगर जी वालों को राइट्स बेचते हैं तो जी फाइव के ऊपर भी देखने को मिल सकती है अब टेलीविजन के राइट्स उनके ही पास है बिफोर यू मूवीज के चैनल पर देखने को मिलेगी ये फिल्म लेकिन कब तक मिलेगी उसके ऊपर कोई अंदाजा नहीं है तो इस तरह से इस फिल्म को आप सभी वर्जन में एंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के कैरेक्टराइजेशन के ऊपर तो विशाल जिन्होंने सोजन रामैया लग्नम का रोल प्ले किया हुआ है जो राजीव के चाइल्डहुड फ्रेंड है और बाद में आर एनिमी बन जाते हैं आर्या जो राजीव पारिया राजन का रोल प्ले किया हुआ है जो चोलान के चाइल्डहुड फ्रेंड है और बाद में उनके एनिमी बन जाते हैं मीना लिनी रवि अश्वित का रोल प्ले करे जो चोलांस की पी से ममता मोहनदास ने अनिसा का रोल प्ले किया हुआ है जो राजीव की वाइफ है प्रकाश राज ने परी राजन आई का रोल प्ले किया हुआ है जो राजीव के फादर है तम्बी रमैया करुणाकरण ने रिस्क रामालिंगम का रोल प्ले किया हुआ है जो चोलान के फादर है करुणाकरण आपको बाबू के रोल में दिखाई देंगे जो चोलान के फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं जोन विजय जिन्होंने पीटर का रोल प्ले किया हुआ है जो अनीसा के अंकल है जो मारियन जिन्होंने गणेश रामालिंगम का रोल प्ले किया हुआ है जो रामालिंगम के फ्रेंड है जी मारी मोतु जिन्होंने पुलिस ऑफिसर ईश्वरन मूर्ति का रोल प्ले किया हुआ है मालविका अविनाश जिन्होंने दीपा सत्यमूर्ति मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का रोल प्ले किया हुआ है आर एन आर मनोहर जिन्होंने इंस्पेक्टर गोविंद राजन का रोल प्ले किया हुआ है गांधी महेंद्रन ने रामालिंगम के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है मनस्वी कोटाची ने पिंकी का रोल प्ले किया हुआ है मास्टर राघवन ने यंग चोलान का रोल प्ले किया हुआ है रियान शाह ने यंग राजीव का रोल प्ले किया हुआ है रवीना दाह ने यंग अनिशा का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सरनिया रवि कुमार और अरिव्यू आपको ए, बारी बारी से तुम तुम सॉन्ग और लिटिल इंडिया सॉन्ग में गेस्ट अपीरेंस करते हुए नजर आएंगे इस फिल्म के प्रोडक्शन की बात करें तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी नवंबर 2020 में फिल्म की पूरी शूटिंग को 12 जुलाई 2021 तक कंप्लीट करवा लिया गया था जहाँ पे फिल्म को कोविड के नाइनटीन के, के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए शूटिंग कम्प्लीट की गई थी इसके अलावा इस फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट की बात करें तो एस एस थमन ने और सेम सी एस ने इस फिल्म के गानों को कंपोज किया हुआ है वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर सिर्फ एम सी एस का देखने को सुनने को मिलेगा इसको रिकॉर्ड किया गया था 2021 में रिलीज किया गया था 25 अक्टूबर 2021 को ही जहां पे इस फिल्म के जो लेबल है वो है डी म्यूजिक जिन्होंने इस फिल्म को तमिल जिन्होंने इस फिल्म के गानों को तमिल ज के साथ साथ हिंदी कनाडा सभी वर्जन में रिलीज किया हुआ था इस फिल्म के गानों को आप यूट्यूब ऑफिशियली ऑफिशियलीजॉय कर पाओगे डी ओ की चैनल के ऊपर वहीं पे इसके पहले गाने यानी कि पाथाला को रिलीज़ किया गया था बीस अगस्त दो को दूसरे गाने टमटम को रिलीज़ किया, किया गया था तीन सेप्टेम्बर दो को वहीं पर तीसरा गाना लिटिल इंडिया को रिलीज किया गया था बीस सेप्टेम्बर दो को इन सभी गानों को मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिसके चलते मिक्सड तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते गाने एक हिट का टेग ले गए थे जहाँ पे टमटम वाला गाना काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था जो हिंदी वर्जन में भी आपको यूट्यूब पे डीओ हिंदी के चैनल पे देखने को मिल जाएगा इन सॉन्ग को मैं आपको ट्रैक लिस्टिंग के साथ बताऊं तो पहला गाना पाथला जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे आरीवू ने म्यूजिक दिया हुआ था इस थमन ने सिंगर थे दीपक ब्लू गाने की लेंथ थी चार मिनट सोलह सेकंड दूसरा गाना टम टम जिसको लिरिक्स लिखे हुए थे विवेक ने म्यूजिक दिया हुआ था इस थमन ने सिंगर थे श्री श्रीवर्दिनी आदिति सत्या यामिनी रोशनी और तेजस्विनी इन्होंने सभी ने मिलकर गाया हुआ है गाने की लेंथ है तीन मिनट अड़तालीस सेकंड और ये गाना काफी हिट भी हुआ था तीसरा गाना लिटिल इंडिया जिसके लिरिक्स लिखे हुए आरीवू ने म्यूजिक दिया हुआ इस

अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था और यूट्यूब पर सभी गाने आपको सुनने को मिल जाएंगे डी ओ की चैनल के ऊपर जहाँ पे टमटम वाला गाना है उसको हिंदी डब वर्जन में भी रिलीज़ किया हुआ है डी म्यूजिक हिंदी चैनल के ऊपर वहाँ से आप ये इंजॉय कर पाओगे क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला था जहाँ पे आर्या और साथ ही में विशाल दोनों के परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा सराहना मिली थी वहीं पे फिल्म के स्क्रीन प्ले पर स्क्रीन प्ले को थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया हुआ था कहानी को भी थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया हुआ था बाकी सभी चीज़ें सभी क्रिटिक्स को पसंद आई थी जिसके चलते मिक्स रिव्यू मिले थे क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने ऑल बीस से पच्चीस करोड़ तक का लाइफ टाइम कलेक्शन करके दिखाया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म का रिस्पॉन्स रहा था तो अब बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी के ऊपर तो एनिमी फिल्म की कहानी की बात करें तो आपको दो कैरेक्टर देखने को मिलेंगे जहां पे एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं आर्या दूसरा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं विशाल विशाल सूर्या का रोल प्ले कर रहे हैं वहीं पे आर्या राजीव का रोल प्ले कर रहे जो एक चाइल्डहुड फ्रेंड है राजीव हमेशा से सूर्या की शार्पनेस और उनका जो टैलेंट है उससे वो जलते आ रहे हैं तो उस वजह से वो छोटी एज में एक क्राइम का रास्ता अपना लेते हैं उसके बाद डायरेक्ट 25 साल बाद बताया दिया जाता है जहाँ पे सिंगापुर में उन दोनों की मीटिंग दिखाई जाती है और एक दूसरे के सामने वो खड़े हुए हैं जहाँ पे चीज़ें काफ़ी बड़ी हो चुकी है और इसके पीछे काफ़ी ख़तरनाक बैकड्रॉप स्टोरी है अब वो सभी चीज़ें क्या है और एक दूसरे के वो एनिमी किस तरह से बने हुए आगे फिल्म में क्या होगा आखिर में फिल्म में किस तरह से एंड लेगी इन दोनों के बीच में आखिरी में क्या होने वाला है वही सब चीज़ों में फ़िल्म की बेसिक कहानी सेट की हुई है इस फिल्म की कहानी आपको एक कैट केटन माउस वाली फिल्म की कहानी के तौर पे दिखाई गई है जहाँ पे चीज़ें पहली बार आपने नहीं देखी है इसी पहली बार कहीं बार देख चुके हैं लेकिन चेज इन सिक्वंस है वो सभी चीज़ें फिल्म की अच्छी है विशाल अपने कैरेक्टर के लिए काफ़ी फिट बैठ रहे थे उन्होंने एक्शन पे रोल प्ले किया हुआ है और उनका लुक फिल्म में काफ़ी सॉलिड नजर आ रहा था अपनी परफॉर्मेंस के साथ वो आसानी से आपको इंप्रेस करने में कामयाब रहते हैं आर्या के साथ उनके जो एक्शन सिकवंस है वो काफ़ी ज़ोरदार थे वहाँ पर आर्या भी काफ़ी कम नहीं थे उन्होंने भी काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है उन्होंने Okay. <laughs> काफी बढ़िया तरीके से थ्रिलिंग मोमेंट को प्ले किया हुआ है थ्रिलिंग मूवमेंट जितने भी हैं वहाँ पे जो नेगेटिव इम्पेक्ट है उनका वो काफी बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिलेगा आर्या ने एक नए एंगल के साथ उनकी एक्टिंग एक स्किल के साथ इस कैरेक्टर को शोकेस किया हुआ है एनिमी फिल्म फुल ऑन एक्शन वाली फिल्म है जहाँ पे थ्रिलिंग मोमेंट को एक नए अवतार में क्रिएट करके इंटरेस्टिंग मैनर में ऑडियंस के सामने पेश किया हुआ है जहाँ पे ज्यादातर टाइम पे वो हमें क्लिक करने में कामयाब रहते हैं फिल्म का फर्स्ट हाफ एक क्राइम बेस्ड सीन के साथ बनाया गया है वहीं पर सेकेंड हाफ में सॉलिड एक्शन देखने को मिलते हैं

ली जाती है माइनस माइनस पॉइंट की बात करें कुछ एक माइनस पॉइंट भी है। मेकर ने जिस तरह से फिल्म को स्टाइलिंग मैनर में हमारे सामने पेश किया हुआ था लेकिन इमोशनल पार्ट है वो वहाँ पे उतने बेहतर नज़र नहीं आ रहे थे फिल्म में कुछ अच्छे स्पॉट थे जहाँ पे कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे वो सभी चीज़ों को वो बेहतर कर सकते थे इसके अलावा हीरो विलन के बीच में जो कन्फ्रंटेशन वाले सीन है उसको थोड़े और बेटर वे में एलिवेट करके वो दिखा सकते थे स्टोरी में कुछ ऐसी चीज़ें जिसको और बेहतरीन तरीके से वो दिखा सकते थे उसमें वो कामयाब नहीं रही है एक आउट एंड आउट एक्शन वाली फिल्म है जहाँ पर लॉजिक थोड़े टॉस के ऊपर चला जाता है लॉजिक की कमी नज़र आ जाती है सेकंड हाफ में कुछ ऐसे सिक्वेंस है जिसमें हाथ फेयर वाले सीन्स देखने को मिलते हैं जहां कुछ पता नहीं क्या चल रहा है इसके अलावा फिल्म में जिस तरह से एडिटिंग किए हुए कुछ रिपीटेड सीन्स बार बार आपको देखने को मिलते हैं उन सभी चीजों को क्रिस्प वे में दिखा देते तो चीजें और बेहतर हो सकती थी और इंगेजिंग तौर पे और थ्रिलिंग मोमेंट में आपको और बेहतरीन वे में हेल्प कर सकती थी लेकिन ये सभी चीज़ें कामयाब नहीं हुई है इसके अलावा फिल्म ज़्यादातर एक्शन सीक्वेंस के ऊपर कॉन्सनट्रेट करती है एक्शन डिपार्टमेंट काफ़ी हैवी था एक्शन डायरेक्टर ने अच्छी तरह से कोरियोग्राफी की हुई थी लेकिन डायरेक्टर आनंद शंकर ने कुछ कीन सिक्वेंस है जिसको बिल्डअप बेहतर वे में करना चाहिए था दो हीरो के बीच में जो कन्फ्रटेशन वाले सीन्स से उसको बेहतर तरीके से दिखाना चाहिए था वहाँ पे वो कामयाब नहीं रह पाते म्यूजिक आपको फिल्म का है वो काफ़ी अच्छा दे सुनने को मिलता है डिसेंट था गाने डिसेंट थे लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फायर मोड पे था फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी ज़्यादा हैवी था अगर मैंने एक दो चीज़ें आपको बताई डायरेक्टर सुधार लेते फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की वजह से फिल्म एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाती और एक कल क्लासिक फिल्म के तौर पर साबित हो सकती थी अच्छी खासी फिल्म थी अच्छी खासी स्टोरी थी जहाँ पर थोड़ा बहुत एग्जीक्यूशन कमी नजर आ जाती जिस वजह से उन्नीस बीस की कमी की से फिल्म एक डिसेंट फिल्म रह जाती है अदरवाइज ये हैदरवाइजबस्टर फिल्म की श्रेणी में आ जाती है फिल्म का कैमरा कैमरावर काफी ज्यादा अमेजिंग है जिस तरह से सभी चीजों को शोकेस शोकेस किया किया हुआ हुआ है जिस हुआ है जिस तरह से एक्शन को वो बढ़िया है बेस्ट पॉसिबल वे में फिल्म के एक्शन सिक्वेंस को शोकेस किया हुआ था जिसको काफी अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ था फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन ने प्रोडक्शन वैल्यू है काफी हाई है जिस वजह से हर एक फ्रेम आपको रिच नजर आएगी इसके अलावा फिल्म को काफी स्टाइलिश और स्लिक तरीके से देखने में लगे इस तरह से बनाया गया है जहां पे एक्शन कोरियोग्राफी भी आपको काफी सुपर में

फिल्म जरूर देख सकते हो उन दोनों का जो स्क्रीन प्रेजेंस है वही फिल्म को और इंटरेस्टिंग बनाता है साथ ही में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो काफ़ी बढ़िया है दोनों हीरो के बीच में जो एक्शन पैक एक परफॉर्मेंसेस है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको पसंद आएगी जिस वजह से ये फिल्म आप जरूर इंजॉय कर पाओगे इस फिल्म को एक बार तो आप ज़रूर देख सकते हो अब आप जिस किसी भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज के साथ देख सकते हो ज़्यादातर लैंग्वेज में फिल्म को अवेलेबल क्या हुआ है जहाँ पर फिल्म के सेटेलाइट राइट्स है वो जी तमिल ने खरीदे हुए वहाँ पर तमिल वर्जन में आपको ये फिल्म देखने को मिलेगी वहीं पर इस फिल्म के तेलुगू तमिल मलयालम कन्नड़ा इन सभी वर्जन के जो ओ टी टी राइट्स है वो

हिंदी लैंग्वेज में एंजॉय कर पाओगे एनिमी जो 2021 की तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है आनंद शंकर ने जहां पे आनंद शंकर का ये फिल्म का आइडिया था उसके ऊपर जो राइटिंग है डायलॉग्स है वो लिखे हुए आनंद शंकर एस रामाकृष्णन और शान शानक्रूप स्वामी ने इन लोगों ने मिलकर फिल्म की स्क्रिप्टिंग की हुई थी स्क्रीन प्ले आनंद शंकर ने ही किया हुआ था और डायरेक्शन भी उन्होंने ही किया हुआ था प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस विनोद कुमार ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जिन्होंने मिनी स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट की आपको मैं बात करूँ तो विशाल आर्या मृणालिनी रवि ममता मोहनदास प्रकाश राज और थम्बी रमैया ये आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे इनके अलावा करुणाकरण जॉन विजय जॉर्ज मारियन जी मारी मुत्थु मालविका अविनाश आर एन आर मनोहर गांधी महेंद्रन मनस्वी कोटाची मास्टर राघवन रियान सार रविनाथ दाह सारण्य रवि कुमार आरिव ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनमें से कुछ लोग हैं वो आपको गेस्ट अपीयरेंस में भी देखने को मिलेंगे तो इतने आर्टिस्ट थे जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ था जिन्होंने काफी बढ़िया तरीके से अपनी परफॉर्मेंसेस डिलीवर की हुई थी इसके ऊपर मैं आगे आपको प्रॉपर डीप में चर्चा करके बताने वाला हूँ अब हम बात करते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी की हुए आर डी राजशेखर ने एडिटिंग किए हुए रायमन डेरिक कास्ट्रा ने जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि एक फिल्म आपको करीबन ढाई पौने तीन घंटे के बीच की देखने को मिलने वाली है इसके अलावा म्यूजिक की बात करें तो सॉन्ग कंपोज किए हुए थमन और सेम सी एस ने जहां पे बैकग्राउंड स्कोर है वो सेम सी एस ने अकेले ही स्कोर किया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में आपको टोटल पांच गाने सुनने को मिलने वाले जिसकी लेंथ है सोलह मिनट सेतालीस सेकंड उसके ऊपर एक डीप आगे चर्चा होने वाली है इसके अलावा इस फिल्म को मिनी स्टूडे प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट अयंगरन इंटरनेशनल के नीचे किया गया था और इस फिल्म के हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए बिफोर यू मूवीज ने जिन्होंने अभी तक फिल्म की रिलीज डेट अभी तक फाइनल नहीं की हुई है अब हम बात करें तेलुगु रिलीज के ऊपर तो फिल्म को चार नवंबर दो को तमिल और तेलुगु में रिलीज किया गया था जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था और फिल्म को आई पे छह पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जहां पे करीबन इकतालीस सौ वोट किए गए थे इस पौने तीन घंटे के आसपास की फिल्म को

ऑक्यूपेंसी थी वहीं पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जहाँ पे कुछ टिकट प्राइस के रिलेटेड गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑर्डर्स आए हुए थे उसकी वजह से रेट काफी लो थे तो इन सभी महामारी के बीच में फिल्म को रिलीज किया गया था जिसके वजह से फिल्म ने एक ठीक ठाक कलेक्शन क्या होता है ये ज़्यादातर कलेक्शन तमिल ऑडियंस की तरफ से ही आया हुआ है फिल्म को तेलुगु हिंदी मलयालम और कन्नड़ा में डब करके रिलीज़ करने वाले थे जहाँ पे तेलुगु तमिल और मलयालम कन्नड़ा चार लैंग्वेज में रिलीज कर दिया था लेकिन वहीं पे हिंदी वर्जन का जो अता पता नहीं है क्योंकि बिफोर इमोशन पिक्चर्स वाले इस फिल्म को रिलीज़ करने वाले थे फिल्म के रिलीज़ के एक महीने के बाद लेकिन बाद में पता चला कि फिल्म अब शायद थिएटर में नहीं आने वाले क्योंकि फिल्म को जिस तरह से रिलीज़ करने का फैसला लिया था उसके बाद एक के बाद एक बड़ी फिल्म हिंदी में आती रही और फिल्म बार बार पोस्टपोन होती रही और अभी तक हिंदी में रिलीज़ नहीं की गई है लेकिन फिल्म को ओ टी पे अवेलेबल कराया हुआ है सैटेलाइट राइट्स भी बेच दिए गए तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं जहाँ पर फिल्म के सेटेलाइट राइट्स खरीदे हुए जी तमिल ने जी तमिल वालों ने इस फिल्म के तमिल लैंग्वेज के सेटेलाइट राइट्स खरीदे हुए थे वहीं पर स्ट्रीमिंग पार्टनर यानी कि जो ओ राइट्स है वो सोनी लिव के पास है जिन्होंने तेलुगु मलयालम कन्नड़

इस फिल्म को आप सभी वर्जन में एंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के कैरेक्टराइजेशन के ऊपर तो विशाल जिन्होंने सोजन रामैया लग्नम का रोल प्ले किया हुआ है जो राजीव के चाइल्डहुड फ्रेंड है और बाद में आर एनिमी बन जाते हैं आर्या जो राजीव पारिया राजन का रोल प्ले किया हुआ है जो चोलान के चाइल्डहुड फ्रेंड है और बाद में उनके एनिमी बन जाते हैं मीनालिनी रवि अश्वित का रोल प्ले करे जो चोलांस की पियन से ममता मोहनदास ने अनिसा का रोल प्ले किया हुआ है जो राजीव की वाइफ है प्रकाश राज ने परी राजन आई का रोल प्ले किया हुआ है जो राजीव के फादर है तम्बी रमैया ने रिस्क रामालिंगम का रोल प्ले किया हुआ है जो चोलान के फादर है करुणाकरण आपको बाबू के रोल में दिखाई देंगे जो चोलान के फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं जोन विजय जिन्होंने पीटर का रोल प्ले किया हुआ है जो अनीसा के अंकल है जो मारियन जिन्होंने गणेश रामालिंगम का रोल प्ले किया हुआ है जो रामालिंगम के फ्रेंड है जी मारी मुतु जिन्होंने पुलिस ऑफिसर ईश्वरन मूर्ति का रोल प्ले किया हुआ है मालविका अविनाश जिन्होंने दीपा सत्यमूर्ति मिनिस्टर ऑफ uh, एक्सटर्नल अफेयर्स का रोल प्ले किया हुआ है आर एन आर मनोहर जिन्होंने इंस्पेक्टर गोविंद राजन का रोल प्ले किया हुआ है गांधी महेंद्रन ने रामालिंगम के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है मनस्वी कोटाची ने पिंकी का रोल प्ले किया हुआ है मास्टर राघवन ने यंग चोलान का रोल प्ले किया हुआ है रियान शाह ने यंग राजीव का रोल प्ले किया हुआ है रवीना दाह ने यंग अनिशा का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सरनिया रवि कुमार और अरिव्यू आपको ए, बारी बारी से तुम तुम सॉन्ग और लिटिल इंडिया सॉन्ग में गेस्ट अपीरेंस करते हुए नजर आएंगे इस फिल्म के प्रोडक्शन की बात करें तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी नवंबर 2020 में फिल्म की पूरी शूटिंग को 12 जुलाई 2021 तक कंप्लीट करवा लिया गया था जहाँ पे फिल्म को कोविड के नाइनटीन के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए शूटिंग कंप्लीट की गई थी इसके अलावा इस फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट की बात करें तो एस एस थमन ने और सेम सी एस ने फिल्म के गानों को कंपोज किया हुआ है वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर सिर्फ एम सी एस का देखने को सुनने को मिलेगा इसको रिकॉर्ड किया गया था दो हजार इक्कीस में रिलीज किया गया था पच्चीस अक्टूबर दो हजार इक्कीस को ही जहाँ पे इस फिल्म के जो लेबल है वो है डी वो म्यूजिक जिन्होंने इस फिल्म को तमिल जिन्होंने इस फिल्म के गानों को तमिल के साथ साथ हिंदी कनाडा सभी वर्जन में रिलीज किया हुआ था इस फिल्म के गानों को आप YouTube पे ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे डी ओ की चैनल के ऊपर वहीं पे इसके पहले गाने यानी कि पाथाला को रिलीज किया गया था 20 अगस्त 2021 को दूसरे गाने टमटम को रिलीज़ किया गया था 3 सितंबर 2021 को वहीं पे तीसरा गाना लिटिल इंडिया को रिलीज़ किया गया था बीस सेप्टेम्बर दो को इन सभी गानों को मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिसके चलते मिक्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते गाने एक हिट का टेग ले गए थे जहाँ पे टमटम वाला गाना काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था जो हिंदी वर्जन में भी आपको यूट्यूब पर डीओ हिंदी के चैनल पर देखने को मिल जाएगा इन सॉन्ग को मैं आपको ट्रैक लिस्टिंग के साथ बताऊं तो पहला गाना पाथला जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे आरियू ने म्यूजिक दिया हुआ था थमन ने सिंगर थे दीपक ब्लू गाने की लेंथ थी चार मिनट सोलह सेकंड दूसरा गाना टम टम जिसको लिरिक्स लिखे हुए थे विवेक ने म्यूजिक दिया हुआ था इस थमन ने सिंगर थे श्री वर्दिनी आदिति सत्या यामिनी रोशनी और तेजस्विनी इन्होंने सभी ने मिलकर गाया हुआ है गाने की लेंथ है तीन मिनट अड़तालीस सेकंड और ये गाना काफी हिट भी हुआ था तीसरा गाना लिटिल इंडिया जिसके लिरिक्स लिखे हुए आरवू ने म्यूजिक दिया हुआ

अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था और यूट्यूब पर सभी गाने आपको सुनने को मिल जाएंगे डी ओ की चैनल के ऊपर जहां पे टमटम वाला गाना है उसको हिंदी डब वर्जन में भी रिलीज किया हुआ है डी म्यूजिक हिंदी चैनल के ऊपर वहां से आप ये इन्जॉय कर पाओगे क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला था जहाँ पे आर्या और साथी में विशाल दोनों के परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा सराहना मिली थी वहीं पर फिल्म के स्क्रीन प्ले पर स्क्रीन प्ले को थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया हुआ था कहानी को भी थोड़ा क्रिटिसाइज किया हुआ था बाकी सभी चीज़ें सभी क्रिटिक्स को पसंद आई थी जिसके चलते मिक्स रिव्यू मिले थे क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने ऑल 20 से 25 करोड़ तक का लाइफ टाइम कलेक्शन करके दिखाया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म का रिस्पांस रहा था अब बात कर लेते फिल्म की कहानी के ऊपर तो एनिमी फिल्म की कहानी की बात करें तो आपको दो कैरेक्टर देखने को मिलेंगे जहां पे एक कैरेक्टर प्ले कर रहे आर्या दूसरा कैरेक्टर प्ले कर रहे विशाल विशाल सूर्या का रोल प्ले कर करे वहीं पे आर्या राजीव का रोल प्ले करे जो एक चाइल्ड फ्रेंड है राजीव हमेशा से सूर्या की शार्पनेस और उनका जो टैलेंट है उससे वो जलते आ रहे तो उस वजह से वो छोटी एज में एक क्राइम का रास्ता अपना लेते हैं उसके बाद डायरेक्ट पच्चीस साल बाद बताया दिया जाता है जहां पे सिंगापुर में उन दोनों की मीटिंग दिखाई जाती है और एक दूसरे के सामने वो खड़े हुए हैं जहां पर चीज़ें काफी बड़ी हो चुकी है और इसके पीछे काफी खतरनाक बैकड्रॉप स्टोरी है अब वो सभी चीजें क्या है और एक दूसरे के वो एनिमी किस तरह से बने हुए आगे फिल्म में क्या होगा आखिर में फिल्म किस तरह से एंड लेगी इन दोनों के बीच में आखिरी में क्या होने वाला है वही सब चीज़ों में फिल्म की बेसिक कहानी सेट की हुई है इस फिल्म की कहानी आपको एक केटन माउस वाली फिल्म की कहानी के तौर पे दिखाई गई है जहाँ पे चीज़ें पहले बार आपने नहीं देखी है इसी पहली बार कई बार देख चुके हैं लेकिन चेज इन सिक्वेंस है वो सभी चीज़ें फ़िल्म की अच्छी है विशाल अपने कैरेक्टर के लिए काफ़ी फीट बैठ रहे थे उन्होंने एक्शन पे रोल प्ले किया हुआ है और उनका लुक फिल्म में काफ़ी सॉलिड नज़र आ रहा था अपनी परफॉर्मेंस के साथ वो आसानी से आपको इम्प्रेस करने में कामयाब रहते हैं आर्या के साथ उनके जो एक्शन सिक्वेंस है वो काफ़ी ज़ोरदार थे वहाँ पर आर्या भी काफ़ी कम नहीं थे उन्होंने भी काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है उन्होंने Gracias. <coughs> काफ़ी बढ़िया तरीके से थ्रिलिंग मोमेंट को प्ले किया हुआ है थ्रिलिंग मूवमेंट जितने भी हैं वहाँ पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उनका वो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिलेगा आर्या ने एक नए एंगल के साथ उनकी एक्टिंग एक स्किल के साथ इस कैरेक्टर को शोकेस किया हुआ है एनिम फिल्म फुल ऑन एक्शन वाली फिल्म है जहाँ पर थ्रिलिंग मोमेंट को एक नए अवतार में क्रिएट करके इंटरेस्टिंग मैनर में ऑडियंस के सामने पेश किया हुआ है जहाँ पर ज़्यादातर टाइम पर वो हमें क्लिक करने में कामयाब रहते हैं फिल्म का फर्स्ट हाफ एक क्राइम बेस्ड सीन के साथ बनाया गया है वहीं पे सेकंड हाफ में सॉलिड एक्शन देखने को मिलते हैं

अपना काम बखूबी निभाया हुआ है इसके अलावा दूसरे भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट है वो काफी बढ़िया तरीके से अपना परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते हैं फिल्म का बीजे में जो बैकग्राउंड स्कोर है वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट पॉइंट है जिस तरह से जो थ्रिलिंग मोमेंट थे जो एक्शन सिक्वेंस थे जो क्राइम सिक्वेंस थे उसके पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर बचता है जिस तरह से उन सभी चीजों को सेट किया हुआ था उसके पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट करता है वो माहौल को और भी दुगना बेहतर बना देता है उन सभी सीन्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है ऐसे समन्न ने जिस तरह से सभी चीजों को सेट किया हुआ था वो सभी चीजें नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है माइनस माइनस पॉइंट की बात करें कुछ एक माइनस पॉइंट भी है मेकर ने जिस तरह से फिल्म को स्टाइलिंग मैनर में हमारे सामने पेश किया हुआ था लेकिन इमोशनल पार्ट है वो वहाँ पे उतने बेहतर नजर नहीं आ रहे थे फिल्म में कुछ अच्छे स्पॉट थे जहाँ पे कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे वो सभी चीज़ों को वो बेहतर कर सकते थे इसके अलावा हीरो विलन के बीच में जो कन्फ्रंटेशन वाले सीन है उसको थोड़े और बेटर वे में एलिवेट करके वो दिखा सकते थे स्टोरी में कुछ ऐसी चीजें जिसको और बेहतरीन तरीके से वो दिखा सकते थे उसमें वो कामयाब नहीं रही है एक आउट एंड आउट एक्शन वाली फिल्म है जहाँ पे लॉजिक थोड़े टॉस के ऊपर चला जाता है लॉजिक की कमी नज़र आ जाती है सेकेंड हाफ में कुछ ऐसे सिक्वेंस है जिसमें हाथ वाले सीन्स देखने को मिलते जहां पे कुछ पता नहीं क्या चल रहा है इसके अलावा फिल्म में जिस तरह से एडिटिंग किए हुए कुछ रिपीटेड सीन्स बार बार आपको देखने को मिलते हैं उन सभी चीज़ों को क्रिस्प वे में दिखा देते तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी और एंगेजिंग तौर पर और थ्रिलिंग मोमेंट में आपको और बेहतरीन वे में हेल्प कर सकती थी लेकिन ये सभी चीज़ें कामयाब नहीं हुई है इसके अलावा फिल्म ज्यादातर एक्शन सिक्वेंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती है एक्शन डिपार्टमेंट काफी हैवी था एक्शन डायरेक्टर ने अच्छी तरह से कोरियोग्राफी की हुई थी लेकिन डायरेक्टर आनंद शंकर कुछ है जिसको बिल्डअप बेहतर वे में करना चाहिए था दो हीरो के बीच में जो कन्फ्रटेशन वाले सीन्स थे उसको बेहतर तरीके से दिखाना चाहिए था वहाँ पे वो कामयाब नहीं रह पाते म्यूजिक आपको फिल्म का है वो काफ़ी अच्छा दे सुनने को मिलता है डिसेंट था गाने डिसेंट थे लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फायर मोड पर था फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी ज़्यादा हैवी था अगर मैंने एक दो चीज़ें आपको बताई डायरेक्टर सुधार लेते फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की वजह से फिल्म एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाती और एक कल क्लासिक फिल्म के तौर पर साबित हो सकती थी अच्छी खासी फिल्म थी अच्छी खासी स्टोरी थी जहाँ पर थोड़ा बहुत एग्जीक्यूशन कमी नज़र आ जाती जिस वजह से 19-20 की कमी की वजह से फिल्म एक डिसेंट फिल्म रह जाती है अदरवाइज़ ये फिल्म श्रेणी में आ जाती है फिल्म का कैमरा काफी, काफी अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ था फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन प्रोडक्शन वैल्यू काफी हाई है जिस वजह से हर एक फ्रेम आपको रिच नजर आएगी इसके अलावा फिल्म को काफी स्टाइलिश और स्लिक तरीके से देखने में लगे इस तरह से बनाया गया है जहां पे एक्शन कोरियोग्राफी भी आपको काफी सुपर

फिल्म जरूर देख सकते हो उन दोनों का जो स्क्रीन प्रेजेंस है वही फिल्म को और इंटरेस्टिंग बनाता है साथ ही में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो काफ़ी बढ़िया है दोनों हीरो के बीच में जो एक्शन पैक एक परफॉर्मेंसिस है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको पसंद आएगी जिस वजह से ये फिल्म आप ज़रूर इन्जॉय कर पाओगे इस फिल्म को एक बार तो आप ज़रूर देख सकते हो अब आप जिस किसी भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज के साथ देख सकते हो ज़्यादातर लैंग्वेज में फिल्म को अवेलेबल क्या हुआ है जहाँ पर फिल्म के सेटेलाइट राइट्स है वो जी तमिल ने खरीदे हुए वहाँ पर तमिल वर्जन में आपको ये फिल्म देखने को मिलेगी वहीं पर इस फिल्म के तेलुगू तमिल मलयालम कन्नड़ा इन सभी वर्जन के जो ओटीटी राइट्स है वो

14 अक्टूबर 2021 को फिल्म को रिलीज किया गया था सॉरी 14 अक्टूबर 2021 को फिल्म को रिलीज करने वाले थे बाद में रिलीज डेट चेंज करके 4 नवंबर 2021 कर दी गई थी तो 4 नवंबर 2021 को को जब फिल्म फिल्म रिलीज रिलीज किया गया था तब साथ ही में फिल्म होने वाली थी लेकिन बाद में पोस्टपोन कर दी गई बिफोर मोशन पिक्चर्स के द्वारा उसके बाद कोई नई रिलीज डेट आई नहीं आने वाली आने वाली करके फिल्म अभी तक आई नहीं है अब जब कभी भी फिल्म रिलीज करवाई जाएगी तो थिएटर में भी उनके ही द्वारा करवाई जाएगी अदरवाइज अगर थिएटर स्किप करते हैं तो फिल्म पहले टेलीविजन

हिंदी लैंग्वेज में एंजॉय कर पाओगे एनीमी जो 2021 की तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है आनंद शंकर ने जहाँ पे आनंद शंकर का ये फिल्म का आइडिया था उसके ऊपर जो राइटिंग है डायलॉग्स है वो लिखे हुए आनंद शंकर एस रामाकृष्णन और शान कुरुप स्वामी ने इन लोगों ने मिलकर फिल्म की स्क्रिप्टिंग की हुई थी स्क्रीन प्ले आनंद शंकर ने ही किया हुआ था और डायरेक्शन भी उन्होंने ही किया हुआ था प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस विनोद कुमार ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जिन्होंने मिनी स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट की आपको मैं बात करूं तो विशाल आर्य मीरनालिनी रवि ममता मोहनदास प्रकाश राज और थंबी रमैया ये आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे इनके अलावा करुणाकरन जॉन विजय जॉर्ज मारियन जी मारीमुत्तु मालविका अविनाश आरएनआर मनोहर गांधी महेंद्रन मनस्वी कोटाची मास्टर राघवन रियान सार रवीना दाहा सारण्या रवि कुमार आरिव ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे इनमें से कुछ लोग है वो आपको गेस्ट अपीरेंस में भी देखने को मिलेंगे तो इतने आर्टिस्ट थे जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ था जिन्होंने काफी बढ़िया तरीके से अपनी परफॉर्मेंसेस डिलीवर की हुई थी इसके ऊपर मैं आगे आपको प्रॉपर डीप में चर्चा करके बताने वाला हूं अब हम बात करते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी की हुए आर डी राजशेखर ने एडिटिंग किए हुए रायमन डेरिक कास्ट्रा ने जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि एक फिल्म आपको करीबन ढाई पौने तीन घंटे के बीच की देखने को मिलने वाली है इसके अलावा म्यूजिक की बात करें तो सॉन्ग कंपोज किए हुए थमन और सेम सी एस ने जहां पे बैकग्राउंड स्कोर है वो सेम सी एस ने अकेले ही स्कोर किया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में आपको टोटल पांच गाने सुनने को मिलने वाले जिसकी लेंथ है सोलह मीट सेतालीस सेकंड उसके ऊपर एक डीप आगे चर्चा होने वाली है इसके अलावा इस फिल्म को मिनी स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट अयंगरन इंटरनेशनल के नीचे किया गया था और इस फिल्म के हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे चार नवंबर दो हजार इक्कीस को तमिल और तेलुगु में रिलीज किया गया था जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और फिल्म को आई पे डीबी की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जहां पे करीबन इकतालीस वोट किए गए थे इस पौने तीन घंटे के आसपास की फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया था जहां पे फिल्म का जो कंटेंट है लोगों बाईस करोड़ का एक डिसेंट कलेक्शन किया हुआ था इसका एक मेन रीजन है जब फिल्म को रिलीज किया गया था तब कोविड नाइन्टीन की महामारी के बीच में फिल्म को रिलीज किया गया था कोविड 19 के चलते कई थिएटर बंद थे कुछ थिएटर में 50 परसेंट ऑक्यूपेंसी थी वहीं पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जहाँ पे कुछ टिकट प्राइस के रिलेटेड गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑर्डर्स आए हुए थे उसकी वजह से रेट काफी लो थे तो इन सभी महामारी के बीच में फिल्म को रिलीज किया गया था जिसके वजह से फिल्म ने एक ठीक ठाक कलेक्शन कलेक्शन क्या होता है है ज़्यादातर तमिल ऑडियंस की तरफ से ही आया हुआ है। फिल्म को तेलुगु हिंदी मलयालम और कन्नड़ा में डब करके रिलीज करने वाले थे पे तेलुगु तमिल और मलयालम कन्नड़ा चार लैंग्वेज में रिलीज कर दिया था लेकिन वहीं पर हिंदी वर्जन का जो अता पता नहीं है क्योंकि बिफोर इमोशन पिक्चर्स वाले इस फिल्म को रिलीज करने वाले थे फिल्म के रिलीज के एक महीने के बाद लेकिन बाद में पता चला कि फिल्म अब शायद थिएटर में नहीं आने वाली क्योंकि फिल्म को जिस तरह से रिलीज करने का फैसला लिया था उसके बाद एक के बाद एक बड़ी फिल्म हिंदी में आती रही और फिल्म बार बार पोस्टपोन होती रही और अभी तक हिंदी में रिलीज़ नहीं की गई है लेकिन फिल्म को ओ टी टी पर अवेलेबल कराया हुआ है सैटेलाइट राइट्स भी बेच दिए गए तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं जहाँ पर फिल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए जी तमिल ने जी तमिल वालों ने इस फिल्म के तमिल लैंग्वेज के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए थे वहीं पर स्ट्रीमिंग पार्टनर यानी कि जो जो ओ टी टी राइट्स है वो सोनी लिव के पास है जिन्होंने तेलुगु मलयालम कन्नड़

मिल जाएगी वहीं पे सोनी लिव के चैनल के ऊपर बाकी सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजिस में देखने को मिलेगी लेकिन हिंदी लैंग्वेजिस के राइट है बिफोर इमोशन पिक्चर्स के पास जिन्होंने अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दी हुई है जब कभी भी ये फिल्म आप ऑफिशियल यूट्यूब पर देखने को मिलेगी तो बिफोर यू मूवीज़ के चैनल पर ही देखने को मिल सकती है अगर जी वालों को राइट्स बेचते हैं तो जी फाइव के ऊपर भी देखने को मिल सकती है अब टेलीविजन के राइट्स उनके ही पास है बिफोर यू मूवीज़ के चैनल पर देखने को मिलेगी ये फिल्म लेकिन कब तक मिलेगी उसके ऊपर कोई अंदाज़ा नहीं है तो इस तरह से इस फिल्म को आप सभी वर्जन में एंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के कैरेक्टराइजेशन के ऊपर तो विशाल जिन्होंने सोजन रामैया लग्नम का रोल प्ले किया हुआ है जो राजीव के चाइल्डहुड फ्रेंड है और बाद में आर एनिमी बन जाते हैं आर्या जो राजीव पारिया राजन का रोल प्ले किया हुआ है जो चोलान के चाइल्डहुड फ्रेंड है और बाद में उनके एनिमी बन जाते हैं मीनालिनी रवि अश्वित का रोल प्ले करे जो चोलांस की पी से ममता मोहनदास ने अनिसा का रोल प्ले किया हुआ है जो राजीव की वाइफ है प्रकाश राज ने परी राजन आई का रोल प्ले किया हुआ है जो राजीव के फादर है तम्बी रमैया ने रिस्क रामालिंगम का रोल प्ले किया हुआ है जो चोलान के फादर है करुणाकरण आपको बाबू के रोल में दिखाई देंगे जो चोलान के फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं जो विजय जिन्होंने पीटर का रोल प्ले किया हुआ है जो अनिशा के अंकल है जो मारियन जिन्होंने गणेश रामालिंगम का रोल प्ले किया हुआ है जो रामालिंगम के फ्रेंड है जी मारी मोतू जिन्होंने पुलिस ऑफिसर ईश्वरन मूर्ति का रोल प्ले किया हुआ है मालविका अविनाश जिन्होंने दीपा सत्यमूर्ति मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का रोल प्ले किया हुआ है आर एन आर मनोहर जिन्होंने इंस्पेक्टर गोविंद राजन का रोल प्ले किया हुआ है गांधी महेंद्रन ने रामालिंगम के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है मनस्वी कोटाची ने पिंकी का रोल प्ले किया हुआ है मास्टर राघवन ने यंग चोलान का रोल प्ले किया हुआ है रियान शाह ने यंग राजीव का रोल प्ले किया हुआ है रवीना दाह ने यंग अनिशा का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सरनिया रवि कुमार और अरिव्यू आपको ए, बारी बारी से तुम तुम सॉन्ग और लिटिल इंडिया सॉन्ग में गेस्ट अपीरेंस करते हुए नजर आएंगे इस फिल्म के प्रोडक्शन की बात करें तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी नवंबर 2020 में फिल्म की पूरी शूटिंग को 12 जुलाई 2021 तक कंप्लीट करवा लिया गया था जहाँ पे फिल्म को कोविड के नाइनटीन के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए शूटिंग कंप्लीट की गई थी इसके अलावा इस फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट की बात करें तो एस एस थमन ने और सेम सी एस ने इस फिल्म के गानों को कंपोज किया हुआ है वहीं पे बैकग्राउंड स्कोरशिप सेम सी एस का देखने को सुनने को मिलेगा इसको रिकॉर्ड किया गया था 2021 में रिलीज किया गया था 25 अक्टूबर 2021 को ही जहां पे इस फिल्म के जो लेबल है वो है डी म्यूजिक जिन्होंने इस फिल्म को तमिल जिन्होंने इस फिल्म के गानों को तमिल ज के साथ साथ हिंदी कनाडा सभी वर्जन में रिलीज किया हुआ था इस फिल्म के गानों को आप यूट्यूब ऑफिशियली ऑफिशियलीजॉय कर पाओगे डी की चैनल के ऊपर वहीं पे इसके पहले गाने यानी कि पाथाला को रिलीज़ किया गया था बीस अगस्त दो को दूसरे गाने टमटम को रिलीज़ किया गया था तीन सेप्टेम्बर दो को वहीं पर तीसरा गाना लिटल इंडिया को रिलीज़ किया गया था बीस सेप्टेम्बर दो को इन सभी गानों को मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिसके चलते मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते गाने एक हिट का टेग ले गए थे जहाँ पे टमटम वाला गाना काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था जो हिंदी वर्जन में भी आपको यूट्यूब पे डीओ हिंदी के चैनल पे देखने को मिल जाएगा इन सॉन्ग को मैं आपको ट्रैक लिस्टिंग के साथ बताऊं तो पहला गाना पाथला जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे आरीवू ने म्यूजिक दिया हुआ था इस थमन ने सिंगर थे दीपक ब्लू गाने की लेंथ थी चार मिनट सोलह सेकंड दूसरा गाना टम टम जिसको लिरिक्स लिखे हुए थे विवेक ने म्यूजिक दिया हुआ था इस थमन ने सिंगर थे श्री वर्दिनी आदिति सत्या यामिनी रोशनी और तेजस्विनी इन्होंने सभी ने मिलकर गाया हुआ है गाने की लेंथ है तीन मिनट अड़तालीस सेकंड और ये गाना काफी हिट भी हुआ था तीसरा गाना लिटल इंडिया जिसके लिरिक्स लिखे हुए आरीवू ने म्यूजिक दिया हुआ है

अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था और यूट्यूब पर सभी गाने आपको सुनने को मिल जाएंगे डी ओ की चैनल के ऊपर जहाँ पे टमटम वाला गाना है उसको हिंदी डब वर्जन में भी रिलीज़ किया हुआ है डी म्यूजिक हिंदी चैनल के ऊपर वहाँ से आप ये इन्जॉय कर पाओगे क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला था जहाँ पे आर्या और साथ ही में विशाल दोनों के परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा सराहना मिली थी वहीं पे फिल्म के स्क्रीन प्ले पर स्क्रीन प्ले को थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया हुआ था कहानी को भी थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया हुआ था बाकी सभी चीज़ें सभी क्रिटिक्स को पसंद आई थी जिसके चलते मिक्स रिव्यू मिले थे क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने ऑल बीस से पच्चीस करोड़ तक का लाइफ टाइम कलेक्शन करके दिखाया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म का रिस्पांस रहा था तो अब बात कर लेते फिल्म की कहानी के ऊपर तो एनिमी फिल्म की कहानी की बात करें तो आपको दो कैरेक्टर देखने को मिलेंगे जहां पे एक कैरेक्टर प्ले कर रहे आर्या दूसरा कैरेक्टर प्ले कर रहे विशाल विशाल सूर्या का रोल प्ले कर करे वहीं पे आर्या राजीव का रोल प्ले करे जो एक चाइल्डहुड फ्रेंड है राजीव हमेशा से सूर्या की शार्पनेस और उनका जो टैलेंट है उससे वो जलते आ रहे तो उस वजह से वो छोटी एज में एक क्राइम का रास्ता अपना लेते उसके बाद डायरेक्ट पच्चीस साल बताया दिया जाता है, पे सिंगापुर में उन अब वो सभी चीजें क्या है और एक दूसरे के वो एनिमी किस तरह से बने हुए आगे फिल्म क्या होगा आखिर में फिल्म किस तरह से एंड लेगी इन दोनों के बीच में आखिरी में क्या होने वाला है वही सब चीजों में फिल्म की बेसिक कहानी सेट की हुई है इस फिल्म की कहानी आपको एक कैट केटन माउस वाली फिल्म की कहानी के तौर पे दिखाई गई है जहाँ पे चीजें पहले बार आपने नहीं देखी है इसी पहली बार कई बार देख चुके हैं लेकिन चेज इन सिक्वेंस है वो सभी चीज़ें फिल्म की अच्छी है विशाल अपने कैरेक्टर के लिए काफ़ी फिट बैठ रहे थे उन्होंने एक्शन पे रोल प्ले किया हुआ है और उनका लुक फिल्म में काफ़ी सॉलिड नजर आ रहा था अपनी परफॉर्मेंस के साथ वो आसानी से आपको इंप्रेस करने में कामयाब रहते हैं आर्या के साथ उनके जो एक्शन सिकवंस है वो काफ़ी ज़ोरदार थे वहाँ पर आर्या भी काफ़ी कम नहीं थे उन्होंने भी काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है उन्होंने Okay. काफ़ी बढ़िया तरीके से थ्रिलिंग मोमेंट को प्ले किया हुआ है थ्रिलिंग मूवमेंट्स जितने भी हैं वहाँ पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उनका वो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिलेगा आर्या ने एक नए एंगल के साथ उनकी एक्टिंग एक स्किल के साथ इस कैरेक्टर को शोकेस किया हुआ है एनिमी फिल्म फुल ऑन एक्शन वाली फिल्म है जहाँ पर थ्रिलिंग मोमेंट को एक नए अवतार में क्रिएट करके इंटरेस्टिंग मैनर में ऑडियंस के सामने पेश किया हुआ है जहाँ पर ज़्यादातर टाइम पर वो हमें क्लिक करने में कामयाब रहते हैं फिल्म का फर्स्ट हाफ एक क्राइम बेस्ड सीन के साथ बनाया गया है वहीं पे सेकंड हाफ़ में सॉलिड एक्शन देखने को मिलते हैं इन

ली जाती है माइनस माइनस पॉइंट की बात करें कुछ एक माइनस पॉइंट भी है। मेकर ने जिस तरह से फिल्म को स्टाइलिंग मैनर में हमारे सामने पेश किया हुआ था लेकिन इमोशनल पार्ट है वो वहाँ पे उतने बेहतर नज़र नहीं आ रहे थे फिल्म में कुछ अच्छे स्पॉट थे जहाँ पे कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे वो सभी चीज़ों को वो बेहतर कर सकते थे इसके अलावा हीरो विलन के बीच में जो कन्फ्रंटेशन वाले सीन है उसको थोड़े और बेटर वे में एलिवेट करके वो दिखा सकते थे स्टोरी में कुछ ऐसी चीज़ें जिसको और बेहतरीन तरीके से वो दिखा सकते थे उसमें वो कामयाब नहीं रही है एक आउट एंड आउट एक्शन वाली फिल्म है जहाँ पर लॉजिक थोड़े टॉस के ऊपर चला जाता है लॉजिक की कमी नज़र आ जाती है सेकंड हाफ में कुछ ऐसे सिक्वेंस है जिसमें हाथ फेयर वाले सीन्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे कुछ पता नहीं क्या चल रहा है इसके अलावा फिल्म में जिस तरह से एडिटिंग किए हुए कुछ रिपीटेड सीन्स बार बार आपको देखने को मिलते हैं उन सभी चीजों को क्रिस्प वे में दिखा देते तो चीजें और बेहतर हो सकती थी और इंगेजिंग तौर पे और थ्रिलिंग मोमेंट में आपको और बेहतरीन वे में हेल्प कर सकती थी लेकिन ये सभी चीज़ें कामयाब नहीं हुई है इसके अलावा फिल्म ज़्यादातर एक्शन सीक्वेंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती है एक्शन डिपार्टमेंट काफ़ी हैवी था एक्शन डायरेक्टर ने अच्छी तरह से कोरियोग्राफी की हुई थी लेकिन डायरेक्टर आनंद शंकर ने कुछ कीन सीक्वेंस है जिसको बिल्डअप बेहतर वे में करना चाहिए था दो हीरो के बीच में जो कन्फ्रटेशन वाले सीन्स थे उसको बेहतर तरीके से दिखाना चाहिए था वहाँ पे वो कामयाब नहीं रह पाते म्यूजिक आपको फिल्म का है वो काफ़ी अच्छा दे सुनने को मिलता है डिसेंट था गाने डिसेंट थे लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फायर मोड पे था फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी ज़्यादा हैवी था अगर मैंने एक दो चीज़ें आपको बताई डायरेक्टर सुधार लेते फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की वजह से फिल्म एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाती और एक कल क्लासिक फिल्म के तौर पर साबित हो सकती थी अच्छी खासी फिल्म थी अच्छी खासी स्टोरी थी जहाँ पर थोड़ा बहुत एग्जीक्यूशन कमी नजर आ जाती जिस वजह से उन्नीस बीस की कमी की से फिल्म एक डिसेंट फिल्म रह जाती है अदरवाइज ये हैदरवाइजबस्टर फिल्म की श्रेणी में आ जाती है फिल्म का कैमरा कैमरावर काफी ज्यादा अमेजिंग है जिस तरह से सभी चीजों को शोकेस किया हुआ है जिस तरह से एक्शन सिक्वेंस को शोकेस किया हुआ है वो बढ़िया है बेस्ट पॉसिबल वे में फिल्म के एक्शन सिक्वेंस को शोकेस किया हुआ था जिसको काफी अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ था फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन एंड प्रोडक्शन वैल्यू है, है काफी हाई है जिस वजह से हर एक फ्रेम आपको रिच नजर आएगी इसके अलावा फिल्म को काफी स्टाइलिश और स्लिक तरीके से देखने में लगे इस तरह से बनाया गया है जहां पे एक्शन कोरियोग्राफी भी आपको काफी सुपर मेहनत

फिल्म जरूर देख सकते हो उन दोनों का जो स्क्रीन प्रेजेंस है वही फिल्म को और इंटरेस्टिंग बनाता है साथ ही में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो काफ़ी बढ़िया है दोनों हीरो के बीच में जो एक्शन पैक एक परफॉर्मेंसिस है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको पसंद आएगी जिस वजह से ये फिल्म आप जरूर इंजॉय कर पाओगे इस फिल्म को एक बार तो आप ज़रूर देख सकते हो अब आप जिस किसी भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज के साथ देख सकते हो ज़्यादातर लैंग्वेज में फिल्म को अवेलेबल क्या हुआ है जहाँ पे फिल्म के सेटेलाइट राइट्स है वो जी तमिल ने खरीदे हुए वहाँ पर तमिल वर्जन में आपको ये फिल्म देखने को मिलेगी वहीं पर इस फिल्म के तेलुगू तमिल मलयालम कन्नड़ा इन सभी वर्जन के जो ओ टी टी राइट्स है वो

हिंदी लैंग्वेज में एंजॉय कर पाओगे तो बस गाइज आज के वीडियो में इस फिल्म के रिगार्डिंग सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म का प्री प्रोडक्शन फिल्मिंग डिटेल पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन स्टोरी का एक रिव्यू हो चुका है फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी हमने बात कर ली है ये फिल्म कहाँ पर आपको कौन सी लैंग्वेज में अवेलेबल हो सकती है किस तरह से आप फ्री में इस फिल्म को ऑफिशियली देख सकोगे उसके ऊपर भी डिटेलिंग दे दिए तो बस गाइज और भी ऐसे मूवी के अपडेट और साथ ही में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक Thank you.